ना कहानी में दम ना नयापन, कंगना रनौत की शानदार एक्टिंग भी नहीं बचा पाई फिल्म तेजस। जाने कहां देखे इसे फ्री में। कंगना रनौत ने फिल्म में तेजस गिल का किरदार निभाया है जो कि एक IF पायलट है। फिल्म में देशभक्ति से भरे भाषण के साथ पाकिस्तान पर भी निशाना साधा गया है। इसकी कहानी पाकिस्तान में एक चौकी के अंदर रेस्क्यू अभियान के इर्द गिर्द है जो कि विकी कौशल स्टारर उरी की याद दिलाती है। इस ऑपरेशन का उद्देश्य दुश्मन को मूर्ख बनाना और इस दौरान फिल्म तनाव और उत्तेजना पैदा करने में सफल होती है। फिल्म का पहला भाग जल्दबाजी में लगता है जैसे कोई आखिरी ट्रेन पकड़नी हो, दूसरे हिस्से में जाकर एक लय आती है। जब एक्शन सीन दिखाए जाते हैं तो क्लाइमैक्स में एडिट सीन अच्छा बन पड़ा है और बिना वजह शोरगुल पैदा नहीं करता है। तेजस गिल भारतीय वायुसेना में एक तेज तर्रार पायलट है जो खतरों का सामना करती है। फिल्म पूरी तरह से तेजस के इर्द गिर्द है और सभी किरदार उसके आसपास घूमते हैं। वह कई बार सीनियर अधिकारियों के आदेश की परवाह नहीं करती और अपनी जान जोखिम में डालकर अन्य अधिकारियों को बचाती है। ऐसा लगता है कि वह फिल्म की मुख्य किरदार है तो कुछ भी कर सकती है, जिसमें असलियत में शायद कभी नहीं किया जा सकता। फिल्म में भारतीय वायुसेना का गौरवपूर्ण तरीके से दिखाया गया है। इसमें पायलटों के साहस और समर्पण पर जोर है, देशभक्ति को लेकर अलग तरह का उत्साह है, लेकिन कभी कभी यह अंध राष्ट्रवाद की हद तक भी पहुंच जाता है। शुक्रिया, यह केवल अपनी तारीफ में कही गई फिल्म नहीं है बल्कि यह पायलटों की बहादुरी और प्रतिबद्धता का जश्न मनाने पर केंद्रित है। करीब 2 घंटे की यह फिल्म आतंकवाद के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करती है। रेस्क्यू ऑपरेशन को इस तरह से डिजाइन किया गया है जैसे लगता है दुश्मन मूर्ख है। फिल्म का साउंडट्रैक उपयुक्त है लेकिन यह और जबरदस्त हो सकता था। एक्शन दृश्यों को दौरान तेज और भयानक संगीत कभी कभी कहानी से ज्यादा भटकता है। कंगना रनौत का काम शानदार और एक पायलट के रूप में वह जची है। उन्होंने कई बार वायुसेना और समाज में एक स्वतंत्र सोचने वाली और बहादुर महिला के रूप में खुद को साबित करना पड़ता है। अंशुल चौहान ने उसका बखूबी साथ दिया है। वही बात करें इसकी OTT रिलीज को लेकर तो इसे OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Zee5 पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है। कंगना रनौत की फिल्म तेजस देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू। फिल्म की कहानी, कंगना रनौत की नई फिल्म आई है तेजस। कंगना ने इंडस्ट्री में जगह पक्की करने के बाद से तमाम विषयों पर अपनी राय रखी। जो गलत था उसके खिलाफ झंडा बुलंद किया, मसलन जेंडर इक्वलिटी, मगर अब वो खुद अपनी फिल्मों की हीरो होती है। हर वो चीज करना चाहती है जो हिंदी फिल्मों के हीरो करते हैं। इसमें एक्शन और डायलॉग बाजी के साथ लेक्चर देना भी शामिल है। उन्होंने बतौर एक्टर परफॉर्मर कुछ नया या अलग करने के बजाय ऐसे किरदार चुनने शुरू कर दिए हैं जो बस कहानी के नायक हो। बतौर एक्टर कंगना का कैलिबर सबको पता है, मगर इस तरह की फिल्में और रोल्स उनके क्रॉप को प्रभावित कर रहे हैं। तेजस में कंगना ने तेजस गिल नाम के फाइटर पायलट का रोल किया है जो कि इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा है। अगर इसे कंगना की सबसे अटीपटी परफॉर्मेंस वाली फिल्म माना जाए तो इस बात से शिकायत नहीं होनी चाहिए। यह बेसिकली एक एरियल एक्शन फिल्म है, मगर असल में टिक बॉक्स वाली फिल्म बनकर रह जाती है। जितना कुछ समाज और सोशल मीडिया पर चल रहा है हर वो टॉपिक कवर हो जाए। 26/11 अटैक से लेकर पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम फेमिनिज्म और हाइपर नेशनलिज्म, साथ में अयोध्या के राम मंदिर का कैमियो, इनमें से किसी विषय को लेकर फिल्म सीरियस नहीं है। ये सब एक वीडियो गेम की तरह लगता है। एक दुश्मन से निपट लिए, अब दूसरे की बारी, बस यहाँ लेवल अप नहीं होता है। वीडियो गेम से फिल्म का एक सीन याद आया जिसे VFX की मदद से तैयार किया गया है। फिल्म के एक सीक्वेंस में जिसमें जेम्स बॉन्ड फिल्मों की तर्ज पर ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की गई है। पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर घटने वाले इस सीन को देखकर ऐसा लगता है कि जिस ग्लिच के साथ ये सीन पहली बार बना उसे वैसे ही फिल्म में रख लिया गया। उसका VFX रिफाइन या फाइन ट्यून करने की कोई कोशिश नहीं की गई। फिल्म में जितने भी हवाई जहाज वाले सीन्स हैं वो भी भरोसे लायक नहीं लगते। कुछ एक सीन्स में कंगना रनौत की आंखों में शूटिंग के दौरान सामने लगी लाइट रिफ्लेक्ट होती है, जबकि इस सीन में वो आसमान में फाइटर पायलट उड़ा रही है। अभी पिछले दिनों हमने गणपत देखी थी। तेजस और गणपत में कॉम्पिटिशन हो सकता है कि किसका VFX ज्यादा खराब है। इंडिया ने एक बार फिर पाकिस्तान को उसकी जमीन पर जाकर हरा दिया। पाकिस्तान हिंदी सिनेमा में भोदू किरदार होकर गया। मुझे पर्सनली लगता नहीं कि पाकिस्तान लोग इतने भी बेवकूफ होते होंगे जितना वो हिंदी सिनेमा में होते हैं। तेजस से पहले कमोबेश इसी मसले पर एक फिल्म आई, गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल। तुलना तो होगी, मगर इस कंपैरिजन में तेजस गुंजन सक्सेना के आसपास भी नहीं पहुंच पाती, क्योंकि गुंजन सक्सेना के मेकर्स को पता था कि वो फिल्म के साथ क्या करना चाहते है। तेजस के मेकर्स ने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया, या शायद वो यही खिचड़ी बनाना चाहते थे। तेजस को सर्वेश मेवड़ा ने डायरेक्ट किया है, ये उनकी पहली फिल्म है, मगर वो इसी फिल्म को बनाते वक्त पूरे कंट्रोल में नहीं लगते। एक क्लाइमेक्स खत्म होता है तब तक दूसरा शुरू हो जाता है, इसलिए मुझे फिल्म कभी कन्विंस ही नहीं कर पाती।
फिल्म दर्शकों के भीतर इमोशन पैदा करने के लिए सबसे दर्दनाक चीज का सहारा लेती है। बावजूद इसके आप कोई भाव महसूस नहीं कर पाते क्योंकि आपको लगता है कि यह आपकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल है। तेजस में इकलौती पॉजिटिव चीज मुझे लगी अंशुल चौहान, उन्होंने कंगना के जूनियर और साथी फाइटर पायलट आफिया का रोल किया है, यानी फिल्म में माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन भी है, मगर यह आफिया फिल्म की कॉमिक रिलीफ है। एक सीन में आफिया का किरदार अपने सुपर सीनियर से बात करते हुए चिल्ला चिल्ला कर ये नया इंडिया है सर, वी विल किल इट सर टाइप की बातें करती है, जो कि देखते वक्त बहुत वियर्ड लगता है और थोड़ा फनी भी। अंशुल को मैंने पहली बार शुभ मंगल सावधान में देखा था। इस फिल्म में उनका एक डायलॉग मुझे आज भी याद है, खुद की शक्ल चूजे वर्गी और लड़की चाहिए कैटरीना कैफ। तेजस में आप उनका काम इसलिए भी एंजॉय कर पाते हैं क्योंकि वो बहुत ह्यूमन कैरेक्टर है, उसमें गॉड कॉम्प्लेक्स नहीं है, प्लस उसे ये भी लगता है कि वो इस फिल्म की सपोर्टिंग कैरेक्टर है। धाकड़ के बाद तेजस कंगना रनौत की एक और निराशाजनक फिल्म साबित होती है। कम से कम धाकड़ में कंगना का काम अच्छा था, मगर यहाँ तो आपको वो भी नसीब नहीं होता। तेजस कुछ भी नया ऑफर नहीं करती। आपने पिछले चार फिल्मों में जो चीजें देखी बस ये फिल्म उसे समेट कर एक जगह ले आती है। इसमें थोड़ा सा कंगना रनौत मिला लीजिए, साथ में ढेर सारा ज्ञान और VFX की मदद से बने फर्जी लगने वाले एरियल एक्शन सीक्वेंस बन गई तेजस, मगर तेजस कभी अपने होने को जस्टिफाई नहीं कर पाती। ना कहानी में दम ना नयापन, कंगना रनौत की शानदार एक्टिंग भी नहीं बचा पाई फिल्म तेजस। जाने कहां देखे इसे फ्री में। कंगना रनौत ने फिल्म में तेजस गिल का किरदार निभाया है, जो कि एक IF पायलट है। फिल्म में देशभक्ति से भरे भाषण के साथ पाकिस्तान पर भी निशाना साधा गया है। इसकी कहानी पाकिस्तान में एक चौकी के अंदर रेस्क्यू अभियान के इर्द गिर्द है, जो कि विकी कौशल स्टारर उरी की याद दिलाती है। इस ऑपरेशन का उद्देश्य दुश्मन को मूर्ख बनाना, और इस दौरान फिल्म तनाव और उत्तेजना पैदा करने में सफल होती है। फिल्म का पहला भाग जल्दबाजी में लगता है, जैसे कोई आखिरी ट्रेन पकड़नी हो। दूसरे हिस्से में जाकर एक लय आती है। जब एक्शन सीन दिखाए जाते हैं तो क्लाइमैक्स में एरियल सीन अच्छा बन पड़ा है और बिना वजह शोरगुल पैदा नहीं करता है। तेजस गिल भारतीय वायुसेना में एक तेज तर्रार पायलट है जो खतरों का सामना करती है। फिल्म पूरी तरह से तेजस के इर्द गिर्द है और सभी किरदार उसके आसपास घूमते हैं। वह कई बार सीनियर अधिकारियों के आदेश की परवाह नहीं करती और अपनी जान जोखिम में डालकर अन्य अधिकारियों को बचाती है। ऐसा लगता है कि वह फिल्म की मुख्य किरदार है तो कुछ भी कर सकती है, जिसमें असलियत में शायद कभी नहीं किया जा सकता। फिल्म में भारतीय वायुसेना का गौरवपूर्ण तरीके से दिखाया गया। इसमें पायलटों के साहस और समर्पण पर जोर है, देशभक्ति को लेकर अलग तरह का उत्साह है, लेकिन कभी कभी यह अंध राष्ट्रवाद की हद तक भी पहुंच जाता है। शुक्रिया, यह केवल अपनी तारीफ में कही गई फिल्म नहीं है, बल्कि यह पायलटों की बहादुरी और प्रतिबद्धता का जश्न मनाने पर केंद्रित है। करीब 2 घंटे की यह फिल्म आतंकवाद के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करती है। रेस्क्यू ऑपरेशन को इस तरह से डिजाइन किया गया है जैसे लगता है दुश्मन मूर्ख है। फिल्म का साउंड ट्रैक उपयुक्त है, लेकिन यह और जबरदस्त हो सकता था। एक्शन दृश्यों को दौरान तेज और भयानक संगीत कभी कभी कहानी से ज्यादा भटकता है। कंगना रनौत का काम शानदार और एक पायलट के रूप में वह जची है। उन्होंने कई बार वायुसेना और समाज में एक स्वतंत्र सोचने वाली और बहादुर महिला के रूप में खुद को साबित करना पड़ता है। अंशुल चौहान ने उसका बखूबी साथ दिया है। वही बात करें इसकी OTT रिलीज को लेकर, तो इसे OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Zee5 पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है। कंगना रनौत की फिल्म तेजस देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू। फिल्म की कहानी, कंगना रनौत की नई फिल्म आई है तेजस। कंगना ने इंडस्ट्री में जगह पक्की करने के बाद से तमाम विषयों पर अपनी राय रखी। जो गलत था उसके खिलाफ झंडा बुलंद किया, मसलन जेंडर इक्वलिटी, मगर अब वो खुद अपनी फिल्मों की हीरो होती है। हर वो चीज करना चाहती है जो हिंदी फिल्मों के हीरो करते हैं। इसमें एक्शन और डायलॉग बाजी के साथ लेक्चर देना भी शामिल है। उन्होंने बतौर एक्टर परफॉर्मर कुछ नया या अलग करने के बजाय ऐसे किरदार चुनने शुरू कर दिए हैं जो बस कहानी के नायक हो। बतौर एक्टर कंगना का कैलिबर सबको पता है, मगर इस तरह की फिल्में और रोल्स उनके क्रॉप को प्रभावित कर रहे हैं। तेजस में कंगना ने तेजस गिल नाम के फाइटर पायलट का रोल किया है, जो कि इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा है। अगर इसे कंगना की सबसे अटीपटी परफॉर्मेंस वाली फिल्म माना जाए तो इस बात से शिकायत नहीं होनी चाहिए। यह बेसिकली एक एरियल एक्शन फिल्म है, मगर असल में टिक बॉक्स वाली फिल्म बनकर रह जाती है। जितना कुछ समाज और सोशल मीडिया पर चल रहा है, हर वो टॉपिक कवर हो जाए। 26/11 अटैक से लेकर पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम फेमिनिज्म और हाइपर नेशनलिज्म, साथ में अयोध्या के राम मंदिर का कैमियो, इनमें से किसी विषय को लेकर फिल्म सीरियस नहीं है। ये सब एक वीडियो गेम की तरह लगता है। एक दुश्मन से निपट लिए, अब दूसरे की बारी, बस यहाँ लेवल अप नहीं होता है। वीडियो गेम से फिल्म का एक सीन याद आया जिसे VFX की मदद से तैयार किया गया है। फिल्म के एक सीक्वेंस में जिसमें जेम्स बॉन्ड फिल्मों की तर्ज पर ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट
करने की कोशिश की गई है। पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर घटने वाले इस सीन को देखकर ऐसा लगता है कि जिस ग्लिच के साथ ये सीन पहली बार बना उसे वैसे ही फिल्म में रख लिया गया। उसका वीएफएक्स रिफाइन या फाइन ट्यून करने की कोई कोशिश नहीं की गई। फिल्म में जितने भी हवाई जहाज वाले सीन्स है वो भी भरोसे लायक नहीं लगते। कुछ एक सीन्स में कंगना रनौत की आंखों में शूटिंग के दौरान सामने लगी लाइट रिफ्लेक्ट होती है, जबकि इस सीन में वो आसमान में फाइटर पायलट उड़ा रही है। अभी पिछले दिनों हमने गणपत देखी थी, तेजस और गणपत में कंपटीशन हो सकता है कि किसका वीएफएक्स ज्यादा खराब है। इंडिया ने एक बार फिर पाकिस्तान को उसकी जमीन पर जाकर हरा दिया। पाकिस्तान हिंदी सिनेमा में भोदू किरदार होकर गया। मुझे पर्सनली लगता नहीं कि पाकिस्तान लोग इतने भी बेवकूफ होते होंगे जितना वो हिंदी सिनेमा में होते हैं। तेजस से पहले कमोबेश इसी मसले पर एक फिल्म आई गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल तुलना तो होगी, मगर इस कंपैरिजन में तेजस गुंजन सक्सेना के आसपास भी नहीं पहुंच पाती, क्योंकि गुंजन सक्सेना के मेकर्स को पता था कि वो फिल्म के साथ क्या करना चाहते हैं। तेजस के मेकर्स ने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया या शायद वो यही खिचड़ी बनाना चाहते थे। तेजस को सर्वेश मेवड़ा ने डायरेक्ट किया है, ये उनकी पहली फिल्म है, मगर वो इसी फिल्म को बनाते वक्त पूरे कंट्रोल में नहीं लगते। एक क्लाइमेक्स खत्म होता है तब तक दूसरा शुरू हो जाता है, इसलिए मुझे फिल्म कभी कन्विंस ही नहीं कर पाती। फिल्म दर्शकों के भीतर इमोशन पैदा करने के लिए सबसे दर्दनाक चीज का सहारा लेती है, बावजूद इसके आप कोई भाव महसूस नहीं कर पाते क्योंकि आपको लगता है कि ये आपकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल है। तेजस में इकलौती पॉजिटिव चीज मुझे लगी अंशुल चौहान, उन्होंने कंगना के जूनियर और साथी फाइटर पायलट आफिया का रोल किया है, यानी फिल्म में माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन भी है, मगर ये आफिया फिल्म की कॉमिक रिलीफ है। एक सीन में आफिया का किरदार अपने सुपर सीनियर से बात करते हुए चिल्ला चिल्ला कर ये नया इंडिया है सर, वी विल किल इट सर टाइप की बातें करती है, जो कि देखते वक्त बहुत वियर्ड लगता है और थोड़ा फनी भी। अंशुल को मैंने पहली बार शुभ मंगल सावधान में देखा था। इस फिल्म में उनका एक डायलॉग मुझे आज भी याद है, खुद की शक्ल चूजे वर्गी और लड़की चाहिए कैटरीना कैफ। तेजस में आप उनका काम इसलिए भी एंजॉय कर पाते हैं क्योंकि वो बहुत ह्यूमन कैरेक्टर है, उसमें गॉड कॉम्प्लेक्स नहीं है, प्लस उसे ये भी लगता है कि वो इस फिल्म की सपोर्टिंग कैरेक्टर है। धाकड़ के बाद तेजस कंगना रनौत की एक और निराशाजनक फिल्म साबित होती है। कम से कम धाकड़ में कंगना का काम अच्छा था, मगर यहाँ तो आपको वो भी नसीब नहीं होता। तेजस कुछ भी नया ऑफर नहीं करती। आपने पिछले चार फिल्मों में जो चीजें देखी बस ये फिल्म उसे समेट कर एक जगह ले आती है। इसमें थोड़ा सा कंगना रनौत मिला लीजिए, साथ में ढेर सारा ज्ञान और वीएफएक्स की मदद से बने फर्जी लगने वाले एरियल एक्शन सीक्वेंस बन गई तेजस, मगर तेजस कभी अपने होने को जस्टिफाई नहीं कर पाती। न कहानी में दम न नयापन, कंगना रनौत की शानदार एक्टिंग भी नहीं बचा पाई फिल्म तेजस। जाने कहां देखे इसे फ्री में। कंगना रनौत ने फिल्म में तेजस गिल का किरदार निभाया है जो कि एक IF पायलट है। फिल्म में देशभक्ति से भरे भाषण के साथ पाकिस्तान पर भी निशाना साधा गया है। इसकी कहानी पाकिस्तान में एक चौकी के अंदर रेस्क्यू अभियान के इर्द गिर्द है जो कि विकी कौशल स्टारर उरी की याद दिलाती है। इस ऑपरेशन का उद्देश्य दुश्मन को मूर्ख बनाना और इस दौरान फिल्म तनाव और उत्तेजना पैदा करने में सफल होती है। फिल्म का पहला भाग जल्दबाजी में लगता है जैसे कोई आखिरी ट्रेन पकड़नी हो, दूसरे हिस्से में जाकर एक लय आती है। जब एक्शन सीन दिखाए जाते हैं तो क्लाइमैक्स में एरियल सीन अच्छा बन पड़ा है और बिना वजह शोरगुल पैदा नहीं करता है। तेजस गिल भारतीय वायुसेना में एक तेज तर्रार पायलट है जो खतरों का सामना करती है। फिल्म पूरी तरह से तेजस के इर्द गिर्द है और सभी किरदार उसके आसपास घूमते हैं। वह कई बार सीनियर अधिकारियों के आदेश की परवाह नहीं करती और अपनी जान जोखिम में डालकर अन्य अधिकारियों को बचाती है। ऐसा लगता है कि वह फिल्म की मुख्य किरदार है तो कुछ भी कर सकती है, जिसमें असलियत में शायद कभी नहीं किया जा सकता। फिल्म में भारतीय वायुसेना का गौरवपूर्ण तरीके से दिखाया गया है। इसमें पायलटों के साहस और समर्पण पर जोर है, देशभक्ति को लेकर अलग तरह का उत्साह है, लेकिन कभी कभी यह अंध राष्ट्रवाद की हद तक भी पहुंच जाता है। शुक्रिया, यह केवल अपनी तारीफ में कही गई फिल्म नहीं है बल्कि यह पायलटों की बहादुरी और प्रतिबद्धता का जश्न मनाने पर केंद्रित है। करीब 2 घंटे की यह फिल्म आतंकवाद के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करती है। रेस्क्यू ऑपरेशन को इस तरह से डिजाइन किया गया है जैसे लगता है दुश्मन मूर्ख है। फिल्म का साउंड ट्रैक उपयुक्त है लेकिन यह और जबरदस्त हो सकता था। एक्शन दृश्यों को दौरान तेज और भयानक संगीत कभी कभी कहानी से ज्यादा भटकता है। कंगना रनौत का काम शानदार और एक पायलट के रूप में वह जची है। उन्होंने कई बार वायुसेना और समाज में एक स्वतंत्र सोचने वाली और बहादुर महिला के रूप में खुद को साबित करना पड़ता है। अंशुल चौहान ने उसका बखूबी साथ दिया है। वही बात करें इसकी OTT रिलीज को लेकर तो इसे OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Zee5 पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है। कंगना रनौत की फिल्म तेजस देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू। फिल्म की कहानी, कंगना रनौत की नई फिल्म आई है तेजस।
कंगना ने इंडस्ट्री में जगह पक्की करने के बाद से तमाम विषयों पर अपनी राय रखी। जो गलत था उसके खिलाफ झंडा बुलंद किया, मसलन जेंडर इक्वलिटी, मगर अब वो खुद अपनी फिल्मों की हीरो होती है, हर वो चीज करना चाहती है जो हिंदी फिल्मों के हीरो करते हैं। इसमें एक्शन और डायलॉग बाजी के साथ लेक्चर देना भी शामिल है। उन्होंने बतौर एक्टर परफॉर्मर कुछ नया या अलग करने के बजाय ऐसे किरदार चुनने शुरू कर दिए हैं जो बस कहानी के नायक हो। बतौर एक्टर कंगना का कैलिबर सबको पता है, मगर इस तरह की फिल्में और रोल्स उनके क्रॉप को प्रभावित कर रहे हैं। तेजस में कंगना ने तेजस गिल नाम के फाइटर पायलट का रोल किया है जो कि इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा है। अगर इसे कंगना की सबसे अटीपटी परफॉर्मेंस वाली फिल्म माना जाए तो इस बात से शिकायत नहीं होनी चाहिए। ये बेसिकली एक एरियल एक्शन फिल्म है, मगर असल में टिक बॉक्स वाली फिल्म बनकर रह जाती है। जितना कुछ समाज और सोशल मीडिया पर चल रहा है हर वो टॉपिक कवर हो जाए। 26/11 अटैक से लेकर पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम फेमिनिज्म और हाइपर नेशनलिज्म, साथ में अयोध्या के राम मंदिर का कैमियो, इनमें से किसी विषय को लेकर फिल्म सीरियस नहीं है। ये सब एक वीडियो गेम की तरह लगता है। एक दुश्मन से निपट लिए, अब दूसरे की बारी, बस यहाँ लेवल अप नहीं होता है। वीडियो गेम से फिल्म का एक सीन याद आया जिसे VFX की मदद से तैयार किया गया है। फिल्म के एक सीक्वेंस में जिसमें जेम्स बॉन्ड फिल्मों की तर्ज पर ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की गई है। पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर घटने वाले इस सीन को देखकर ऐसा लगता है कि जिस ग्लिच के साथ ये सीन पहली बार बना उसे वैसे ही फिल्म में रख लिया गया। उसका VFX रिफाइन या फाइन ट्यून करने की कोई कोशिश नहीं की गई। फिल्म में जितने भी हवाई जहाज वाले सीन्स है वो भी भरोसे लायक नहीं लगते। कुछ एक सीन्स में कंगना रनौत की आंखों में शूटिंग के दौरान सामने लगी लाइट रिफ्लेक्ट होती है, जबकि इस सीन में वो आसमान में फाइटर पायलट उड़ा रही है। अभी पिछले दिनों हमने गणपत देखी थी, तेजस और गणपत में कॉम्पिटिशन हो सकता है कि किसका VFX ज्यादा खराब है। इंडिया ने एक बार फिर पाकिस्तान को उसकी जमीन पर जाकर हरा दिया। पाकिस्तान हिंदी सिनेमा में भोदू किरदार होकर गया। मुझे पर्सनली लगता नहीं कि पाकिस्तान लोग इतने भी बेवकूफ होते होंगे जितना वो हिंदी सिनेमा में होते हैं। तेजस से पहले कमोबेश इसी मसले पर एक फिल्म आई गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल तुलना तो होगी, मगर इस कंपैरिजन में तेजस गुंजन सक्सेना के आसपास भी नहीं पहुंच पाती, क्योंकि गुंजन सक्सेना के मेकर्स को पता था कि वो फिल्म के साथ क्या करना चाहते हैं। तेजस के मेकर्स ने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया या शायद वो यही खिचड़ी बनाना चाहते थे। तेजस को सर्वेश मेवड़ा ने डायरेक्ट किया है, ये उनकी पहली फिल्म है, मगर वो इसी फिल्म को बनाते वक्त पूरे कंट्रोल में नहीं लगते। एक क्लाइमेक्स खत्म होता है तब तक दूसरा शुरू हो जाता है, इसलिए मुझे फिल्म कभी कन्विंस ही नहीं कर पाती। फिल्म दर्शकों के भीतर इमोशन पैदा करने के लिए सबसे दर्दनाक चीज का सहारा लेती है, बावजूद इसके आप कोई भाव महसूस नहीं कर पाते क्योंकि आपको लगता है कि ये आपकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल है। तेजस में इकलौती पॉजिटिव चीज मुझे लगी अंशुल चौहान, उन्होंने कंगना के जूनियर और साथी फाइटर पायलट आफिया का रोल किया है, यानी फिल्म में माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन भी है, मगर ये आफिया फिल्म की कॉमिक रिलीफ है। एक सीन में आफिया का किरदार अपने सुपर सीनियर से बात करते हुए चिल्ला चिल्ला कर ये नया इंडिया है सर, वी विल किल इट सर टाइप की बातें करती है, जो कि देखते वक्त बहुत वियर्ड लगता है और थोड़ा फनी भी। अंशुल को मैंने पहली बार शुभ मंगल सावधान में देखा था। इस फिल्म में उनका एक डायलॉग मुझे आज भी याद है, खुद की शक्ल चूजे वर्गी और लड़की चाहिए कैटरीना कैफ। तेजस में आप उनका काम इसलिए भी एंजॉय कर पाते हैं क्योंकि वो बहुत ह्यूमन कैरेक्टर है, उसमें गॉड कॉम्प्लेक्स नहीं है, प्लस उसे ये भी लगता है कि वो इस फिल्म की सपोर्टिंग कैरेक्टर है। धाकड़ के बाद तेजस कंगना रनौत की एक और निराशाजनक फिल्म साबित होती है। कम से कम धाकड़ में कंगना का काम अच्छा था, मगर यहाँ तो आपको वो भी नसीब नहीं होता। तेजस कुछ भी नया ऑफर नहीं करती। आपने पिछले 4 फिल्मों में जो चीजें देखी बस ये फिल्म उसे समेट कर एक जगह ले आती है। इसमें थोड़ा सा कंगना रनौत मिला लीजिए, साथ में ढेर सारा ज्ञान और VFX की मदद से बने फर्जी लगने वाले एरियल एक्शन सीक्वेंस बन गई तेजस, मगर तेजस कभी अपने होने को जस्टिफाई नहीं कर पाती। ना कहानी में दम ना नयापन, कंगना रनौत की शानदार एक्टिंग भी नहीं बचा पाई फिल्म तेजस। जाने कहां देखे इसे फ्री में। कंगना रनौत ने फिल्म में तेजस गिल का किरदार निभाया है जो कि एक IAF पायलट है। फिल्म में देशभक्ति से भरे भाषण के साथ पाकिस्तान पर भी निशाना साधा गया है। इसकी कहानी पाकिस्तान में एक चौकी के अंदर रेस्क्यू अभियान के इर्द गिर्द है जो कि विकी कौशल स्टारर उरी की याद दिलाती है। इस ऑपरेशन का उद्देश्य दुश्मन को मूर्ख बनाना और इस दौरान फिल्म तनाव और उत्तेजना पैदा करने में सफल होती है। फिल्म का पहला भाग जल्दबाजी में लगता है जैसे कोई आखिरी ट्रेन पकड़नी हो, दूसरे हिस्से में जाकर एक लय आती है। जब एक्शन सीन दिखाए जाते हैं तो क्लाइमैक्स में एडिट सीन अच्छा बन पड़ा है और बिना वजह
शोरगुल पैदा नहीं करता है। तेजस गिल भारतीय वायुसेना में एक तेज तर्रार पायलट है जो खतरों का सामना करती है। फिल्म पूरी तरह से तेजस के इर्द गिर्द है और सभी किरदार उसके आसपास घूमते हैं। वह कई बार सीनियर अधिकारियों के आदेश की परवाह नहीं करती और अपनी जान जोखिम में डालकर अन्य अधिकारियों को बचाती है। ऐसा लगता है कि वह फिल्म की मुख्य किरदार है तो कुछ भी कर सकती है, जिसमें असलियत में शायद कभी नहीं किया जा सकता। फिल्म में भारतीय वायुसेना का गौरवपूर्ण तरीके से दिखाया गया है। इसमें पायलटों के साहस और समर्पण पर जोर है, देशभक्ति को लेकर अलग तरह का उत्साह है, लेकिन कभी कभी यह अंध राष्ट्रवाद की हद तक भी पहुंच जाता है। शुक्रिया, यह केवल अपनी तारीफ में कही गई फिल्म नहीं है, बल्कि यह पायलटों की बहादुरी और प्रतिबद्धता का जश्न मनाने पर केंद्रित है। करीब 2 घंटे की यह फिल्म आतंकवाद के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करती है। रेस्क्यू ऑपरेशन को इस तरह से डिजाइन किया गया है जैसे लगता है दुश्मन मूर्ख है। फिल्म का साउंडट्रैक उपयुक्त है, लेकिन यह और जबरदस्त हो सकता था। एक्शन दृश्यों को दौरान तेज और भयानक संगीत कभी कभी कहानी से ज्यादा भटकता है। कंगना रनौत का काम शानदार और एक पायलट के रूप में वह जची है। उन्होंने कई बार वायुसेना और समाज में एक स्वतंत्र सोचने वाली और बहादुर महिला के रूप में खुद को साबित करना पड़ता है। अंशुल चौहान ने उसका बखूबी साथ दिया है। वही बात करें इसकी ओटीटी रिलीज को लेकर, तो इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Zee5 पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है। कंगना रनौत की फिल्म तेजस देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू। फिल्म की कहानी, कंगना रनौत की नई फिल्म आई है तेजस। कंगना ने इंडस्ट्री में जगह पक्की करने के बाद से तमाम विषयों पर अपनी राय रखी। जो गलत था उसके खिलाफ झंडा बुलंद किया, मसलन जेंडर इक्वलिटी, मगर अब वो खुद अपनी फिल्मों की हीरो होती है। हर वो चीज करना चाहती है जो हिंदी फिल्मों के हीरो करते हैं। इसमें एक्शन और डायलॉग बाजी के साथ लेक्चर देना भी शामिल है। उन्होंने बतौर एक्टर परफॉर्मर कुछ नया या अलग करने के बजाय ऐसे किरदार चुनने शुरू कर दिए हैं जो बस कहानी के नायक हो। बतौर एक्टर कंगना का कैलिबर सबको पता है, मगर इस तरह की फिल्में और रोल्स उनके क्रॉप को प्रभावित कर रहे हैं। तेजस में कंगना ने तेजस गिल नाम के फाइटर पायलट का रोल किया है जो कि इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा है। अगर इसे कंगना की सबसे अटीपटी परफॉर्मेंस वाली फिल्म माना जाए तो इस बात से शिकायत नहीं होनी चाहिए। यह बेसिकली एक एरियल एक्शन फिल्म है, मगर असल में टिक बॉक्स वाली फिल्म बनकर रह जाती है। जितना कुछ समाज और सोशल मीडिया पर चल रहा है, हर वो टॉपिक कवर हो जाए। 26/11 अटैक से लेकर पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम फेमिनिज्म और हाइपर नेशनलिज्म, साथ में अयोध्या के राम मंदिर का कैमियो, इनमें से किसी विषय को लेकर फिल्म सीरियस नहीं है। ये सब एक वीडियो गेम की तरह लगता है। एक दुश्मन से निपट लिए, अब दूसरे की बारी, बस यहाँ लेवल अप नहीं होता है। वीडियो गेम से फिल्म का एक सीन याद आया जिसे VFX की मदद से तैयार किया गया है। फिल्म के एक सीक्वेंस में जिसमें जेम्स बॉन्ड फिल्मों की तर्ज पर ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की गई है। पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर घटने वाले इस सीन को देखकर ऐसा लगता है कि जिस ग्लिच के साथ ये सीन पहली बार बना उसे वैसे ही फिल्म में रख लिया गया। उसका VFX रिफाइन या फाइन ट्यून करने की कोई कोशिश नहीं की गई। फिल्म में जितने भी हवाई जहाज वाले सीन्स हैं, वो भी भरोसे लायक नहीं लगते। कुछ एक सीन्स में कंगना रनौत की आंखों में शूटिंग के दौरान सामने लगी लाइट रिफ्लेक्ट होती है, जबकि इस सीन में वो आसमान में फाइटर पायलट उड़ा रही है। अभी पिछले दिनों हमने गणपत देखी थी। तेजस और गणपत में कॉम्पिटिशन हो सकता है कि किसका VFX ज्यादा खराब है। इंडिया ने एक बार फिर पाकिस्तान को उसकी जमीन पर जाकर हरा दिया। पाकिस्तान हिंदी सिनेमा में भोदू किरदार होकर गया। मुझे पर्सनली लगता नहीं कि पाकिस्तान लोग इतने भी बेवकूफ होते होंगे जितना वो हिंदी सिनेमा में होते हैं। तेजस से पहले कमोबेश इसी मसले पर एक फिल्म आई, गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल। तुलना तो होगी, मगर इस कंपैरिजन में तेजस गुंजन सक्सेना के आसपास भी नहीं पहुंच पाती, क्योंकि गुंजन सक्सेना के मेकर्स को पता था कि वो फिल्म के साथ क्या करना चाहते हैं। तेजस के मेकर्स ने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया, या शायद वो यही खिचड़ी बनाना चाहते थे। तेजस को सर्वेश मेवड़ा ने डायरेक्ट किया है, ये उनकी पहली फिल्म है, मगर वो इस फिल्म को बनाते वक्त पूरे कंट्रोल में नहीं लगते। एक क्लाइमेक्स खत्म होता है तब तक दूसरा शुरू हो जाता है, इसलिए मुझे फिल्म कभी कन्विंस ही नहीं कर पाती। फिल्म दर्शक के भीतर इमोशन पैदा करने के लिए सबसे दर्दनाक चीज का सहारा लेती है, बावजूद इसके आप कोई भाव महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि आपको लगता है कि ये आपकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल है। तेजस में इकलौती पॉजिटिव चीज मुझे लगी अंशुल चौहान। उन्होंने कंगना के जूनियर और साथी फाइटर पायलट आफिया का रोल किया है, यानी फिल्म में माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन भी है, मगर यह आफिया फिल्म की कॉमिक रिलीफ है। एक सीन में आफिया का किरदार अपने सुपर सीनियर से बात करते हुए चिल्ला चिल्ला कर ये नया इंडिया है सर, वी विल किल इट सर टाइप की बातें करती है।
जो कि देखते वक्त बहुत वियर्ड लगता है और थोड़ा फनी भी। अंशुल को मैंने पहली बार शुभ मंगल सावधान में देखा था। इस फिल्म में उनका एक डायलॉग मुझे आज भी याद है, खुद की शक्ल चूजे वर्गी और लड़की चाहिए कैटरीना कैफ। तेजस में आप उनका काम इसलिए भी एंजॉय कर पाते हैं क्योंकि वो बहुत ह्यूमन कैरेक्टर है, उसमें गॉड कॉम्प्लेक्स नहीं है। प्लस उसे ये भी लगता है कि वो इस फिल्म की सपोर्टिंग कैरेक्टर है। धाकड़ के बाद तेजस कंगना रनौत की एक और निराशाजनक फिल्म साबित होती है। कम से कम धाकड़ में कंगना का काम अच्छा था, मगर यहाँ तो आपको वो भी नसीब नहीं होता। तेजस कुछ भी नया ऑफर नहीं करती। आपने पिछले 4 फिल्मों में जो चीजें देखी बस ये फिल्म उसे समेट कर एक जगह ले आती है। इसमें थोड़ा सा कंगना रनौत मिला लीजिए, साथ में ढेर सारा ज्ञान और VFX की मदद से बने फर्जी लगने वाले एरियल एक्शन सीक्वेंस बन गई तेजस, मगर तेजस कभी अपने होने को जस्टिफाई नहीं कर पाती। ना कहानी में दम ना नयापन, कंगना रनौत की शानदार एक्टिंग भी नहीं बचा पाई फिल्म तेजस। जाने कहां देखे इसे फ्री में। कंगना रनौत ने फिल्म में तेजस गिल का किरदार निभाया है, जो कि एक IF पायलट है। फिल्म में देशभक्ति से भरे भाषण के साथ पाकिस्तान पर भी निशाना साधा गया है। इसकी कहानी पाकिस्तान में एक चौकी के अंदर रेस्क्यू अभियान के इर्द गिर्द है, जो कि विकी कौशल स्टारर उरी की याद दिलाती है। इस ऑपरेशन का उद्देश्य दुश्मन को मूर्ख बनाना और इस दौरान फिल्म तनाव और उत्तेजना पैदा करने में सफल होती है। फिल्म का पहला भाग जल्दबाजी में लगता है, जैसे कोई आखिरी ट्रेन पकड़नी हो। दूसरे हिस्से में जाकर एक लय आती है। जब एक्शन सीन दिखाए जाते हैं तो क्लाइमैक्स में एडल्ट सीन अच्छा बन पड़ा है और बिना वजह शोरगुल पैदा नहीं करता है। तेजस गिल भारतीय वायुसेना में एक तेज तर्रार पायलट है जो खतरों का सामना करती है। फिल्म पूरी तरह से तेजस के इर्द गिर्द है और सभी किरदार उसके आसपास घूमते हैं। वह कई बार सीनियर अधिकारियों के आदेश की परवाह नहीं करती और अपनी जान जोखिम में डालकर अन्य अधिकारियों को बचाती है। ऐसा लगता है कि वह फिल्म की मुख्य किरदार है तो कुछ भी कर सकते हैं, जिसमें असलियत में शायद कभी नहीं किया जा सकता। फिल्म में भारतीय वायुसेना का गौरवपूर्ण तरीके से दिखाया गया है। इसमें पायलटों के साहस और समर्पण पर जोर है, देशभक्ति को लेकर अलग तरह का उत्साह है, लेकिन कभी कभी यह अंध राष्ट्रवाद की हद तक भी पहुंच जाता है। शुक्रिया, यह केवल अपनी तारीफ में कही गई फिल्म नहीं है, बल्कि यह पायलटों की बहादुरी और प्रतिबद्धता का जश्न मनाने पर केंद्रित है। करीब 2 घंटे की यह फिल्म आतंकवाद के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करती है। रेस्क्यू ऑपरेशन को इस तरह से डिजाइन किया गया है जैसे लगता है दुश्मन मुख्य है। फिल्म का साउंडट्रैक उपयुक्त है, लेकिन यह और जबरदस्त हो सकता था। एक्शन दृश्यों को दौरान तेज और भयानक संगीत कभी कभी कहानी से ज्यादा भटकता है। कंगना रनौत का काम शानदार और एक पायलट के रूप में वह जची है। उन्होंने कई बार वायुसेना और समाज में एक स्वतंत्र सोचने वाली और बहादुर महिला के रूप में खुद को साबित करना पड़ता। अंशुल चौहान ने उसका बखूबी साथ दिया है। वही बात करें इसकी OTT रिलीज को लेकर, तो इसे OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Zee5 पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है। कंगना रनौत की फिल्म तेजस देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू। फिल्म की कहानी, कंगना रनौत की नई फिल्म आई है तेजस। कंगना ने इंडस्ट्री में जगह पक्की करने के बाद से तमाम विषयों पर अपनी राय रखी। जो गलत था उसके खिलाफ झंडा बुलंद किया, मसलन जेंडर इक्वलिटी, मगर अब वो खुद अपनी फिल्मों की हीरो होती है। हर वो चीज करना चाहती है जो हिंदी फिल्मों के हीरो करते हैं। इसमें एक्शन और डायलॉग बाजी के साथ लेक्चर देना भी शामिल है। उन्होंने बतौर एक्टर परफॉर्मर कुछ नया या अलग करने के बजाय ऐसे किरदार चुनने शुरू कर दिए हैं जो बस कहानी के नायक हो। बतौर एक्टर कंगना का कैलिबर सबको पता है, मगर इस तरह की फिल्में और रोल्स उनके क्रॉप को प्रभावित कर रहे हैं। तेजस में कंगना ने तेजस गिल नाम की फाइटर पायलट का रोल किया है, जो कि इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा है। अगर इसे कंगना की सबसे अटीपटी परफॉर्मेंस वाली फिल्म माना जाए तो इस बात से शिकायत नहीं होनी चाहिए। यह बेसिकली एक एरियल एक्शन फिल्म है, मगर असल में टिक बॉक्स वाली फिल्म बनकर रह जाती है। जितना कुछ समाज और सोशल मीडिया पर चल रहा है, हर वो टॉपिक कवर हो जाए। 26/11 अटैक से लेकर पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम फेमिनिज्म और हाइपर नेशनलिज्म, साथ में अयोध्या के राम मंदिर का कैमियो, इनमें से किसी विषय को लेकर फिल्म सीरियस नहीं है। ये सब एक वीडियो गेम की तरह लगता है। एक दुश्मन से निपट लिए, अब दूसरे की बारी, बस यहाँ लेवल अप नहीं होता है। वीडियो गेम से फिल्म का एक सीन याद आया जिसे VFX की मदद से तैयार किया गया है। फिल्म के एक सीक्वेंस में जिसमें जेम्स बॉन्ड फिल्मों की तर्ज पर ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की गई है। पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर घटने वाले इस सीन को देखकर ऐसा लगता है कि जिस ग्लिच के साथ ये सीन पहली बार बना उसे वैसे ही फिल्म में रख लिया गया। उसका VFX रिफाइन या फाइन ट्यून करने की कोई कोशिश नहीं की गई। फिल्म में जितने भी हवाई जहाज वाले सीन्स हैं, वो भी भरोसे लायक नहीं लगते। कुछ एक सीन्स में कंगना रनौत की आंखों में शूटिंग के दौरान सामने लगी लाइट रिफ्लेक्ट होती है, जबकि इस सीन में वो आसमान में फाइटर पायलट उड़ा रही है। अभी पिछले दिनों हमने गणपत देखी थी,
तेजस और गणपत में कंपटीशन हो सकता है कि किसका वीएफएक्स ज्यादा खराब है। इंडिया ने एक बार फिर पाकिस्तान को उसके जमीन पर जाकर हरा दिया। पाकिस्तान हिंदी सिनेमा में भोदू किरदार होकर गया। मुझे पर्सनली लगता नहीं कि पाकिस्तान लोग इतने भी बेवकूफ होते होंगे जितना वो हिंदी सिनेमा में होते हैं। तेजस से पहले कमोबेश इसी मसले पर एक फिल्म आई गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल, तुलना तो होगी मगर इस कंपैरिजन में तेजस गुंजन सक्सेना के आसपास भी नहीं पहुंच पाती, क्योंकि गुंजन सक्सेना के मेकर्स को पता था कि वो फिल्म के साथ क्या करना चाहते हैं। तेजस के मेकर्स ने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया या शायद वो यही खिचड़ी बनाना चाहते थे। तेजस को सर्वेश मेवड़ा ने डायरेक्ट किया है, ये उनकी पहली फिल्म है मगर वो इस फिल्म को बनाते वक्त पूरे कंट्रोल में नहीं लगते। एक क्लाइमेक्स खत्म होता है तब तक दूसरा शुरू हो जाता है, इसलिए मुझे फिल्म कभी कन्विंसिंग नहीं कर पाती। फिल्म दर्शक के भीतर इमोशन पैदा करने के लिए सबसे दर्दनाक चीज का सहारा लेती है, बावजूद इसके आप कोई भाव महसूस नहीं कर पाते क्योंकि आपको लगता है कि यह आपकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल है। तेजस में इकलौती पॉजिटिव चीज मुझे लगी अंशुल चौहान, उन्होंने कंगना के जूनियर और साथी फाइटर पायलट आफिया का रोल किया है, यानी फिल्म में माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन भी है मगर यह आफिया फिल्म की कॉमिक रिलीफ है। एक सीन में आफिया का किरदार अपने सुपर सीनियर से बात करते हुए चिल्ला चिल्ला कर ये नया इंडिया है सर, वी विल किल इट सर टाइप की बातें करती है जो कि देखते वक्त बहुत वियर्ड लगता है और थोड़ा फनी भी। अंशुल को मैंने पहली बार शुभ मंगल सावधान में देखा था। इस फिल्म में उनका एक डायलॉग मुझे आज भी याद है, खुद की शक्ल चूजे वर्गी और लड़की चाहिए कैटरीना कैफ। तेजस में आप उनका काम इसलिए भी एंजॉय कर पाते हैं क्योंकि वो बहुत ह्यूमन कैरेक्टर है, उसमें गॉड कॉम्प्लेक्स नहीं है, प्लस उसे ये भी लगता है कि वो इस फिल्म की सपोर्टिंग कैरेक्टर है। धाकड़ के बाद तेजस कंगना रनौत की एक और निराशाजनक फिल्म साबित होती है। कम से कम धाकड़ में कंगना का काम अच्छा था मगर यहाँ तो आपको वो भी नसीब नहीं होता। तेजस कुछ भी नया ऑफर नहीं करती, आपने पिछले चार फिल्मों में जो चीजें देखी बस ये फिल्म उसे समेट कर एक जगह ले आती है। इसमें थोड़ा सा कंगना रनौत मिला लीजिए, साथ में ढेर सारा ज्ञान और वीएफएक्स की मदद से बने फर्जी लगने वाले एरियल एक्शन सीक्वेंस बन गई तेजस, मगर तेजस कभी अपने होने को जस्टिफाई नहीं कर पाती। ना कहानी में दम ना नयापन, कंगना रनौत की शानदार एक्टिंग भी नहीं बचा पाई फिल्म तेजस। जाने कहां देखे इसे फ्री में। कंगना रनौत ने फिल्म में तेजस गिल का किरदार निभाया है जो कि एक IAF पायलट है। फिल्म में देशभक्ति से भरे भाषण के साथ पाकिस्तान पर भी निशाना साधा गया है। इसकी कहानी पाकिस्तान में एक चौकी के अंदर रेस्क्यू अभियान के इर्द गिर्द है जो कि विकी कौशल स्टारर उरी की याद दिलाती है। इस ऑपरेशन का उद्देश्य दुश्मन को मूर्ख बनाना और इस दौरान फिल्म तनाव और उत्तेजना पैदा करने में सफल होती है। फिल्म का पहला भाग जल्दबाजी में लगता है जैसे कोई आखिरी ट्रेन पकड़नी हो, दूसरे हिस्से में जाकर एक लय आती है। जब एक्शन सीन दिखाए जाते हैं तो क्लाइमैक्स में एरियल सीन अच्छा बन पड़ा है और बिना वजह शोरगुल पैदा नहीं करता है। तेजस गिल भारतीय वायुसेना में एक तेज तर्रार पायलट है जो खतरों का सामना करती है। फिल्म पूरी तरह से तेजस के इर्द गिर्द है और सभी किरदार उसके आसपास घूमते हैं। वह कई बार सीनियर अधिकारियों के आदेश की परवाह नहीं करती और अपनी जान जोखिम में डालकर अन्य अधिकारियों को बचाती है। ऐसा लगता है कि वह फिल्म की मुख्य किरदार है तो कुछ भी कर सकती है, जिसमें असलियत में शायद कभी नहीं किया जा सकता। फिल्म में भारतीय वायुसेना का गौरवपूर्ण तरीके से दिखाया गया है। इसमें पायलटों के साहस और समर्पण पर जोर है, देशभक्ति को लेकर अलग तरह का उत्साह है, लेकिन कभी कभी यह अंध राष्ट्रवाद की हद तक भी पहुंच जाता है। शुक्रिया, ये केवल अपनी तारीफ में कही गई फिल्म नहीं है बल्कि यह पायलटों की बहादुरी और प्रतिबद्धता का जश्न मनाने पर केंद्रित है। करीब 2 घंटे की यह फिल्म आतंकवाद के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करती है। रेस्क्यू ऑपरेशन को इस तरह से डिजाइन किया गया है जैसे लगता है दुश्मन मुख्य है। फिल्म का साउंडट्रैक उपयुक्त है लेकिन यह और जबरदस्त हो सकता था। एक्शन दृश्यों को दौरान तेज और भयानक संगीत कभी कभी कहानी से ज्यादा भटकता है। कंगना रनौत का काम शानदार और एक पायलट के रूप में वह जची है। उन्होंने कई बार वायुसेना और समाज में एक स्वतंत्र सोचने वाली और बहादुर महिला के रूप में खुद को साबित करना पड़ता है। अंशुल चौहान ने उसका बखूबी साथ दिया है। वही बात करें इसकी OTT रिलीज को लेकर तो इसे OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Zee5 पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है। कंगना रनौत की फिल्म तेजस देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू। फिल्म की कहानी, कंगना रनौत की नई फिल्म आई है तेजस। कंगना ने इंडस्ट्री में जगह पक्की करने के बाद से तमाम विषयों पर अपनी राय रखी, जो गलत था उसके खिलाफ झंडा बुलंद किया, मसलन जेंडर इक्वलिटी, मगर अब वो खुद अपनी फिल्मों की हीरो होती है, हर वो चीज करना चाहती है जो हिंदी फिल्मों के हीरो करते हैं। इसमें एक्शन और डायलॉग बाजी के साथ लेक्चर देना भी शामिल है। उन्होंने बतौर एक्टर परफॉर्मर कुछ नया या अलग करने के बजाय ऐसे किरदार चुनने शुरू कर दिए हैं जो बस कहानी के नायक हो। बतौर एक्टर कंगना का कैलिबर सबको पता है मगर इस तरह की फिल्में और रोल्स उनके
प्रॉप को प्रभावित कर रहे हैं। तेजस में कंगना ने तेजस गिल नाम के फाइटर पायलट का रोल किया है जो कि इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा है। अगर इसे कंगना की सबसे अटीपटी परफॉर्मेंस वाली फिल्म माना जाए तो इस बात से शिकायत नहीं होनी चाहिए। ये बेसिकली एक एरियल एक्शन फिल्म है मगर असल में टिक बॉक्स वाली फिल्म बनकर रह जाती है। जितना कुछ समाज और सोशल मीडिया पर चल रहा है हर वो टॉपिक कवर हो जाए। 26/11 अटैक से लेकर पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम फेमिनिज्म और हाइपर नेशनलिज्म, साथ में अयोध्या के राम मंदिर का कैमियो, इनमें से किसी विषय को लेकर फिल्म सीरियस नहीं है। ये सब एक वीडियो गेम की तरह लगता है। एक दुश्मन से निपट लिए अब दूसरे की बारी, बस यहाँ लेवल अप नहीं होता है। वीडियो गेम से फिल्म का एक सीन याद आया जिसे VFX की मदद से तैयार किया गया है। फिल्म के एक सीक्वेंस में जिसमें जेम्स बॉन्ड फिल्मों की तर्ज पर ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की गई है। पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर घटने वाले इस सीन को देखकर ऐसा लगता है कि जिस ग्लिच के साथ ये सीन पहली बार बना उसे वैसे ही फिल्म में रख लिया गया। उसका VFX रिफाइन या फाइन ट्यून करने की कोई कोशिश नहीं की गई। फिल्म में जितने भी हवाई जहाज वाले सीन्स हैं वो भी भरोसे लायक नहीं लगते। कुछ एक सीन्स में कंगना रनौत की आंखों में शूटिंग के दौरान सामने लगी लाइट रिफ्लेक्ट होती है जबकि इस सीन में वो आसमान में फाइटर पायलट उड़ा रही है। अभी पिछले दिनों हमने गणपत देखी थी। तेजस और गणपत में कंपटीशन हो सकता है कि किसका VFX ज्यादा खराब है। इंडिया ने एक बार फिर पाकिस्तान को उसकी जमीन पर जाकर हरा दिया। पाकिस्तान हिंदी सिनेमा में भोदू किरदार होकर गया। मुझे पर्सनली लगता नहीं कि पाकिस्तान लोग इतने भी बेवकूफ होते होंगे जितना वो हिंदी सिनेमा में होते हैं। तेजस से पहले कमोबेश इसी मसले पर एक फिल्म आई गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल, तुलना तो होगी मगर इस कंपैरिजन में तेजस गुंजन सक्सेना के आसपास भी नहीं पहुंच पाती क्योंकि गुंजन सक्सेना के मेकर्स को पता था कि वो फिल्म के साथ क्या करना चाहते हैं। तेजस के मेकर्स ने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया या शायद वो यही खिचड़ी बनाना चाहते थे। तेजस को सर्वेश मेवड़ा ने डायरेक्ट किया है, ये उनकी पहली फिल्म है मगर वो इसी फिल्म को बनाते वक्त पूरे कंट्रोल में नहीं लगते। एक क्लाइमेक्स खत्म होता है तब तक दूसरा शुरू हो जाता है, इसलिए मुझे फिल्म कभी कन्विंस ही नहीं कर पाती। फिल्म दर्शक के भीतर इमोशन पैदा करने के लिए सबसे दर्दनाक चीज का सहारा लेती है, बावजूद इसके आप कोई भाव महसूस नहीं कर पाते क्योंकि आपको लगता है कि ये आपकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल है। तेजस में इकलौती पॉजिटिव चीज मुझे लगी अंशुल चौहान, उन्होंने कंगना के जूनियर और साथी फाइटर पायलट आफिया का रोल किया है, यानी फिल्म में माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन भी है मगर ये आफिया फिल्म की कॉमिक रिलीफ है। एक सीन में आफिया का किरदार अपने सुपर सीनियर से बात करते हुए चिल्ला चिल्ला कर ये नया इंडिया है सर, वी विल किल इट सर टाइप की बातें करती है जो कि देखते वक्त बहुत वियर्ड लगता है और थोड़ा फनी भी। अंशुल को मैंने पहली बार शुभ मंगल सावधान में देखा था। इस फिल्म में उनका एक डायलॉग मुझे आज भी याद है, खुद की शक्ल चूजे वर्गी और लड़की चाहिए कैटरीना कैफ। तेजस में आप उनका काम इसलिए भी एंजॉय कर पाते हैं क्योंकि वो बहुत ह्यूमन कैरेक्टर है, उसमें गॉड कॉम्प्लेक्स नहीं है। प्लस उसे ये भी लगता है कि वो इस फिल्म की सपोर्टिंग कैरेक्टर है। धाकड़ के बाद तेजस कंगना रनौत की एक और निराशाजनक फिल्म साबित होती है। कम से कम धाकड़ में कंगना का काम अच्छा था मगर यहाँ तो आपको वो भी नसीब नहीं होता। तेजस कुछ भी नया ऑफर नहीं करती। आपने पिछले 4 फिल्मों में जो चीजें देखी बस ये फिल्म उसे समेट कर एक जगह ले आती है। इसमें थोड़ा सा कंगना रनौत मिला लीजिए, साथ में ढेर सारा ज्ञान और VFX की मदद से बने फर्जी लगने वाले एरियल एक्शन सीक्वेंस। बन गई तेजस मगर तेजस कभी अपने होने को जस्टिफाई नहीं कर पाती। न कहानी में दम न नयापन, कंगना रनौत की शानदार एक्टिंग भी नहीं बचा पाई फिल्म तेजस। जाने कहां देखे इसे फ्री में। कंगना रनौत ने फिल्म में तेजस गिल का किरदार निभाया है जो कि एक IF पायलट है। फिल्म में देशभक्ति से भरे भाषण के साथ पाकिस्तान पर भी निशाना साधा गया है। इसकी कहानी पाकिस्तान में एक चौकी के अंदर रेस्क्यू अभियान के इर्द गिर्द है जो कि विकी कौशल स्टारर उरी की याद दिलाती है। इस ऑपरेशन का उद्देश्य दुश्मन को मूर्ख बनाना और इस दौरान फिल्म तनाव और उत्तेजना पैदा करने में सफल होती है। फिल्म का पहला भाग जल्दबाजी में लगता है जैसे कोई आखिरी ट्रेन पकड़नी हो। दूसरे हिस्से में जाकर एक लय आती है। जब एक्शन सीन दिखाए जाते हैं तो क्लाइमैक्स में एडिट सीन अच्छा बन पड़ा है और बिना वजह शोरगुल पैदा नहीं करता है। तेजस गिल भारतीय वायुसेना में एक तेज तर्रार पायलट है जो खतरों का सामना करती है। फिल्म पूरी तरह से तेजस के इर्द गिर्द है और सभी किरदार उसके आसपास घूमते हैं। वह कई बार सीनियर अधिकारियों के आदेश की परवाह नहीं करती और अपनी जान जोखिम में डालकर अन्य अधिकारियों को बचाती है। ऐसा लगता है कि वह फिल्म की मुख्य किरदार है तो कुछ भी कर सकती है जिसमें असलियत में शायद कभी नहीं किया जा सकता। फिल्म में भारतीय वायुसेना का गौरवपूर्ण तरीके से दिखाया गया है। इसमें पायलटों के साहस और समर्पण पर जोर है, देशभक्ति को लेकर अलग तरह का उत्साह है, लेकिन कभी कभी यह अंध राष्ट्रवाद की हद तक भी पहुंच जाता है। शुक्रिया, ये केवल अपनी तारीफ में कही गई फिल्म नहीं है
है, बल्कि यह पायलटों की बहादुरी और प्रतिबद्धता का जश्न मनाने पर केंद्रित है। करीब 2 घंटे की यह फिल्म आतंकवाद के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करती है। रेस्क्यू ऑपरेशन को इस तरह से डिजाइन किया गया है जैसे लगता है दुश्मन मुल्क है। फिल्म का साउंड ट्रैक उपयुक्त है, लेकिन यह और जबरदस्त हो सकता था। एक्शन दृश्यों को दौरान तेज और भयानक संगीत कभी कभी कहानी से ज्यादा भटकता है। कंगना रनौत का काम शानदार और एक पायलट के रूप में वह जची है। उन्होंने कई बार वायुसेना और समाज में एक स्वतंत्र सोचने वाली और बहादुर महिला के रूप में खुद को साबित करना पड़ता है। अंशुल चौहान ने उसका बखूबी साथ दिया है। वही बात करें इसकी OTT रिलीज को लेकर, तो इसे OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Zee5 पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है। कंगना रनौत की फिल्म तेजस देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू। फिल्म की कहानी। कंगना रनौत की नई फिल्म आई है तेजस। कंगना ने इंडस्ट्री में जगह पक्की करने के बाद से तमाम विषयों पर अपनी राय रखी। जो गलत था उसके खिलाफ झंडा बुलंद किया, मसलन जेंडर इक्वलिटी, मगर अब वो खुद अपनी फिल्मों की हीरो होती है। हर वो चीज करना चाहती है जो हिंदी फिल्मों के हीरो करते हैं। इसमें एक्शन और डायलॉग बाजी के साथ लेक्चर देना भी शामिल है। उन्होंने बतौर एक्टर परफॉर्मर कुछ नया या अलग करने के बजाय ऐसे किरदार चुनने शुरू कर दिए हैं जो बस कहानी के नायक हो। बतौर एक्टर कंगना का कैलिबर सबको पता है, मगर इस तरह की फिल्में और रोल्स उनके क्रॉप को प्रभावित कर रहे हैं। तेजस में कंगना ने तेजस गिल नाम के फाइटर पायलट का रोल किया है जो कि इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा है। अगर इसे कंगना की सबसे अटीपटी परफॉर्मेंस वाली फिल्म माना जाए तो इस बात से शिकायत नहीं होनी चाहिए। यह बेसिकली एक एरियल एक्शन फिल्म है, मगर असल में टिक बॉक्स वाली फिल्म बनकर रह जाती है। जितना कुछ समाज और सोशल मीडिया पर चल रहा है हर वो टॉपिक कवर हो जाए। 26/11 अटैक से लेकर पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम फेमिनिज्म और हाइपर नेशनलिज्म, साथ में अयोध्या के राम मंदिर का कैमियो, इनमें से किसी विषय को लेकर फिल्म सीरियस नहीं है। ये सब एक वीडियो गेम की तरह लगता है। एक दुश्मन से निपट लिए, अब दूसरे की बारी। बस यहाँ लेवल अप नहीं होता है। वीडियो गेम से फिल्म का एक सीन याद आया जिसे VFX की मदद से तैयार किया गया है। फिल्म के एक सीक्वेंस में जिसमें जेम्स बॉन्ड फिल्मों की तर्ज पर ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की गई है। पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर घटने वाले इस सीन को देखकर ऐसा लगता है कि जिस ग्लिच के साथ ये सीन पहली बार बना उसे वैसे ही फिल्म में रख लिया गया। उसका VFX रिफाइन या फाइन ट्यून करने की कोई कोशिश नहीं की गई। फिल्म में जितने भी हवाई जहाज वाले सीन्स है वो भी भरोसे लायक नहीं लगते। कुछ एक सीन्स में कंगना रनौत की आंखों में शूटिंग के दौरान सामने लगी लाइट रिफ्लेक्ट होती है, जबकि इस सीन में वो आसमान में फाइटर पायलट उड़ा रही है। अभी पिछले दिनों हमने गणपत देखी थी। तेजस और गणपत में कंपटीशन हो सकता है कि किसका VFX ज्यादा खराब है। इंडिया ने एक बार फिर पाकिस्तान को उसकी जमीन पर जाकर हरा दिया। पाकिस्तान हिंदी सिनेमा में भोदू किरदार होकर गया। मुझे पर्सनली लगता नहीं कि पाकिस्तान लोग इतने भी बेवकूफ होते होंगे जितना वो हिंदी सिनेमा में होते हैं। तेजस से पहले कमोबेश इसी मसले पर एक फिल्म आई गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल, तुलना तो होगी मगर इस कंपैरिजन में तेजस गुंजन सक्सेना के आसपास भी नहीं पहुंच पाती, क्योंकि गुंजन सक्सेना के मेकर्स को पता था कि वो फिल्म के साथ क्या करना चाहते हैं। तेजस के मेकर्स ने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया या शायद वो यही खिचड़ी बनाना चाहते थे। तेजस को सर्वेश मेवड़ा ने डायरेक्ट किया है, ये उनकी पहली फिल्म है, मगर वो इसी फिल्म को बनाते वक्त पूरे कंट्रोल में नहीं लगते। एक क्लाइमेक्स खत्म होता है तब तक दूसरा शुरू हो जाता है, इसलिए मुझे फिल्म कभी कन्विंस ही नहीं कर पाती। फिल्म दर्शकों के भीतर इमोशन पैदा करने के लिए सबसे दर्दनाक चीज का सहारा लेती है, बावजूद इसके आप कोई भाव महसूस नहीं कर पाते क्योंकि आपको लगता है कि ये आपकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल है। तेजस में इकलौती पॉजिटिव चीज मुझे लगी अंशुल चौहान। उन्होंने कंगना के जूनियर और साथी फाइटर पायलट आफिया का रोल किया है, यानी फिल्म में माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन भी है, मगर ये आफिया फिल्म की कॉमिक रिलीफ है। एक सीन में आफिया का किरदार अपने सुपर सीनियर से बात करते हुए चिल्ला चिल्ला कर ये नया इंडिया है सर, वी विल किल इट सर टाइप की बातें करती है, जो कि देखते वक्त बहुत वियर्ड लगता है और थोड़ा फनी भी। अंशुल को मैंने पहली बार शुभ मंगल सावधान में देखा था। इस फिल्म में उनका एक डायलॉग मुझे आज भी याद है, खुद की शक्ल चूजे वर्गी और लड़की चाहिए कैटरीना कैफ। तेजस में आप उनका काम इसलिए भी एंजॉय कर पाते हैं क्योंकि वो बहुत ह्यूमन कैरेक्टर है, उसमें गॉड कॉम्प्लेक्स नहीं है। प्लस उसे ये भी लगता है कि वो इस फिल्म की सपोर्टिंग कैरेक्टर है। धाकड़ के बाद तेजस कंगना रनौत की एक और निराशाजनक फिल्म साबित होती है। कम से कम धाकड़ में कंगना का काम अच्छा था, मगर यहाँ तो आपको वो भी नसीब नहीं होता। तेजस कुछ भी नया ऑफर नहीं करती। आपने पिछले 4 फिल्मों में जो चीजें देखी बस ये फिल्म उसे समेट कर एक जगह ले आती है। इसमें थोड़ा सा कंगना रनौत मिला लीजिए, साथ में ढेर सारा ज्ञान और VFX की मदद से बने फर्जी लगने वाले
एरियल एक्शन सीक्वेंस बन गई तेजस, मगर तेजस कभी अपने होने को जस्टिफाई नहीं कर पाती। न कहानी में दम न नयापन, कंगना रनौत की शानदार एक्टिंग भी नहीं बचा पाई फिल्म तेजस। जाने कहां देखे इसे फ्री में। कंगना रनौत ने फिल्म में तेजस गिल का किरदार निभाया है, जो कि एक IF पायलट है। फिल्म में देशभक्ति से भरे भाषण के साथ पाकिस्तान पर भी निशाना साधा गया है। इसकी कहानी पाकिस्तान में एक चौकी के अंदर रेस्क्यू अभियान के इर्द गिर्द है, जो कि विकी कौशल स्टारर उरी की याद दिलाती है। इस ऑपरेशन का उद्देश्य दुश्मन को मूर्ख बनाना, और इस दौरान फिल्म तनाव और उत्तेजना पैदा करने में सफल होती है। फिल्म का पहला भाग जल्दबाजी में लगता है, जैसे कोई आखिरी ट्रेन पकड़नी हो। दूसरे हिस्से में जाकर एक लय आती है। जब एक्शन सीन दिखाए जाते हैं तो क्लाइमैक्स में एरियल सीन अच्छा बन पड़ा है और बिना वजह शोरगुल पैदा नहीं करता है। तेजस गिल भारतीय वायुसेना में एक तेज तर्रार पायलट है, जो खतरों का सामना करती है। फिल्म पूरी तरह से तेजस के इर्द गिर्द है और सभी किरदार उसके आसपास घूमते हैं। वह कई बार सीनियर अधिकारियों के आदेश की परवाह नहीं करती और अपनी जान जोखिम में डालकर अन्य अधिकारियों को बचाती है। ऐसा लगता है कि वह फिल्म की मुख्य किरदार है तो कुछ भी कर सकती है, जिसमें असलियत में शायद कभी नहीं किया जा सकता। फिल्म में भारतीय वायुसेना का गौरवपूर्ण तरीके से दिखाया गया है। इसमें पायलटों के साहस और समर्पण पर जोर है। देशभक्ति को लेकर अलग तरह का उत्साह है, लेकिन कभी कभी यह अंध राष्ट्रवाद की हद तक भी पहुंच जाता है। शुक्रिया, यह केवल अपनी तारीफ में कही गई फिल्म नहीं है, बल्कि यह पायलटों की बहादुरी और प्रतिबद्धता का जश्न मनाने पर केंद्रित है। करीब 2 घंटे की यह फिल्म आतंकवाद के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करती है। रेस्क्यू ऑपरेशन को इस तरह से डिजाइन किया गया है जैसे लगता है दुश्मन मूर्ख है। फिल्म का साउंडट्रैक उपयुक्त है, लेकिन यह और जबरदस्त हो सकता था। एक्शन दृश्यों को दौरान तेज और भयानक संगीत कभी कभी कहानी से ज्यादा भटकता है। कंगना रनौत का काम शानदार और एक पायलट के रूप में वह जची है। उन्होंने कई बार वायुसेना और समाज में एक स्वतंत्र सोचने वाली और बहादुर महिला के रूप में खुद को साबित करना पड़ता है। अंशुल चौहान ने उसका बखूबी साथ दिया है। वही बात करें इसकी OTT रिलीज को लेकर, तो इसे OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Zee5 पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है। कंगना रनौत की फिल्म तेजस देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू, फिल्म की कहानी। कंगना रनौत की नई फिल्म आई है तेजस। कंगना ने इंडस्ट्री में जगह पक्की करने के बाद से तमाम विषयों पर अपनी राय रखी। जो गलत था उसके खिलाफ झंडा बुलंद किया, मसलन जेंडर इक्वलिटी, मगर अब वो खुद अपनी फिल्मों की हीरो होती है। हर वो चीज करना चाहती है जो हिंदी फिल्मों के हीरो करते हैं। इसमें एक्शन और डायलॉग बाजी के साथ लेक्चर देना भी शामिल है। उन्होंने बतौर एक्टर परफॉर्मर कुछ नया या अलग करने के बजाय ऐसे किरदार चुनने शुरू कर दिए हैं जो बस कहानी के नायक हो। बतौर एक्टर कंगना का कैलिबर सबको पता है, मगर इस तरह की फिल्में और रोल्स उनके क्रॉप को प्रभावित कर रहे हैं। तेजस में कंगना ने तेजस गिल नाम के फाइटर पायलट का रोल किया है, जो कि इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा है। अगर इसे कंगना की सबसे अटीपटी परफॉर्मेंस वाली फिल्म माना जाए तो इस बात से शिकायत नहीं होनी चाहिए। ये बेसिकली एक एरियल एक्शन फिल्म है, मगर असल में टिक बॉक्स वाली फिल्म बनकर रह जाती है। जितना कुछ समाज और सोशल मीडिया पर चल रहा है, हर वो टॉपिक कवर हो जाए। 26/11 अटैक से लेकर पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम फेमिनिज्म और हाइपर नेशनलिज्म, साथ में अयोध्या के राम मंदिर का कैमियो, इनमें से किसी विषय को लेकर फिल्म सीरियस नहीं है। ये सब एक वीडियो गेम की तरह लगता है। एक दुश्मन से निपट लिए, अब दूसरे की बारी, बस यहाँ लेवल अप नहीं होता है। वीडियो गेम से फिल्म का एक सीन याद आया, जिसे VFX की मदद से तैयार किया गया है। फिल्म के एक सीक्वेंस में जिसमें जेम्स बॉन्ड फिल्मों की तर्ज पर ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की गई है। पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर घटने वाले इस सीन को देखकर ऐसा लगता है कि जिस ग्लिच के साथ ये सीन पहली बार बना, उसे वैसे ही फिल्म में रख लिया गया। उसका VFX रिफाइन या फाइन ट्यून करने की कोई कोशिश नहीं की गई। फिल्म में जितने भी हवाई जहाज वाले सीन्स हैं, वो भी भरोसे लायक नहीं लगते। कुछ एक सीन्स में कंगना रनौत की आंखों में शूटिंग के दौरान सामने लगी लाइट रिफ्लेक्ट होती है, जबकि इस सीन में वो आसमान में फाइटर पायलट उड़ा रही है। अभी पिछले दिनों हमने गणपत देखी थी। तेजस और गणपत में कॉम्पिटिशन हो सकता है कि किसका VFX ज्यादा खराब है। इंडिया ने एक बार फिर पाकिस्तान को उसकी जमीन पर जाकर हरा दिया। पाकिस्तान हिंदी सिनेमा में भोदू किरदार होकर गया। मुझे पर्सनली लगता नहीं कि पाकिस्तान लोग इतने भी बेवकूफ होते होंगे जितना वो हिंदी सिनेमा में होते हैं। तेजस से पहले कमोबेश इसी मसले पर एक फिल्म आई, गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल। तुलना तो होगी, मगर इस कंपैरिजन में तेजस गुंजन सक्सेना के आसपास भी नहीं पहुंच पाती, क्योंकि गुंजन सक्सेना के मेकर्स को पता था कि वो फिल्म के साथ क्या करना चाहते हैं। तेजस के मेकर्स ने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया, या शायद वो यही खिचड़ी बनाना चाहते थे। तेजस को सर्वेश मेवड़ा ने डायरेक्ट किया है, ये उनकी पहली फिल्म है, मगर वो इसी फिल्म को बनाते वक्त पूरे कंट्रोल में नहीं लगते। एक क्लाइमेक्स खत्म होता है, तब तक दूसरा शुरू हो जाता है।
इसलिए मुझे फिल्म कभी कन्विंस ही नहीं कर पाती। फिल्म दर्शकों के भीतर इमोशन पैदा करने के लिए सबसे दर्दनाक चीज का सहारा लेती है, बावजूद इसके आप कोई भाव महसूस नहीं कर पाते क्योंकि आपको लगता है कि ये आपकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल है। तेजस में इकलौती पॉजिटिव चीज मुझे लगी अंशुल चौहान, उन्होंने कंगना के जूनियर और साथी फाइटर पायलट आफिया का रोल किया है, यानी फिल्म में माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन भी है, मगर ये आफिया फिल्म की कॉमिक रिलीफ है। एक सीन में आफिया का किरदार अपने सुपर सीनियर से बात करते हुए चिल्ला चिल्ला कर ये नया इंडिया है सर, वी विल किल इट सर टाइप की बातें करती है, जो कि देखते वक्त बहुत वियर्ड लगता है और थोड़ा फनी भी। अंशुल को मैंने पहली बार शुभ मंगल सावधान में देखा था। इस फिल्म में उनका एक डायलॉग मुझे आज भी याद है, खुद की शक्ल चूजे वर्गी और लड़की चाहिए कैटरीना कैफ। तेजस में आप उनका काम इसलिए भी एंजॉय कर पाते हैं क्योंकि वो बहुत ह्यूमन कैरेक्टर है, उसमें गॉड कॉम्प्लेक्स नहीं है, प्लस उसे ये भी लगता है कि वो इस फिल्म की सपोर्टिंग कैरेक्टर है। धाकड़ के बाद तेजस कंगना रनौत की एक और निराशाजनक फिल्म साबित होती है। कम से कम धाकड़ में कंगना का काम अच्छा था, मगर यहाँ तो आपको वो भी नसीब नहीं होता। तेजस कुछ भी नया ऑफर नहीं करती। आपने पिछले 4 फिल्मों में जो चीजें देखी बस ये फिल्म उसे समेट कर एक जगह ले आती है। इसमें थोड़ा सा कंगना रनौत मिला लीजिए, साथ में ढेर सारा ज्ञान और VFX की मदद से बने फर्जी लगने वाले एरियल एक्शन सीक्वेंस बन गई तेजस, मगर तेजस कभी अपने होने को जस्टिफाई नहीं कर पाती। ना कहानी में दम ना नयापन, कंगना रनौत की शानदार एक्टिंग भी नहीं बचा पाई फिल्म तेजस। जाने कहां देखे इसे फ्री में। कंगना रनौत ने फिल्म में तेजस गिल का किरदार निभाया है, जो कि एक IAF पायलट है। फिल्म में देशभक्ति से भरे भाषण के साथ पाकिस्तान पर भी निशाना साधा गया है। इसकी कहानी पाकिस्तान में एक चौकी के अंदर रेस्क्यू अभियान के इर्द गिर्द है, जो कि विकी कौशल स्टारर उरी की याद दिलाती है। इस ऑपरेशन का उद्देश्य दुश्मन को मूर्ख बनाना, और इस दौरान फिल्म तनाव और उत्तेजना पैदा करने में सफल होती है। फिल्म का पहला भाग जल्दबाजी में लगता है, जैसे कोई आखिरी ट्रेन पकड़नी हो, दूसरे हिस्से में जाकर एक लय आती है। जब एक्शन सीन दिखाए जाते हैं तो क्लाइमैक्स में एडिट सीन अच्छा बन पड़ा है और बिना वजह शोरगुल पैदा नहीं करता है। तेजस गिल भारतीय वायुसेना में एक तेज तर्रार पायलट है जो खतरों का सामना करती है। फिल्म पूरी तरह से तेजस के इर्द गिर्द है और सभी किरदार उसके आसपास घूमते हैं। वह कई बार सीनियर अधिकारियों के आदेश की परवाह नहीं करती और अपनी जान जोखिम में डालकर अन्य अधिकारियों को बचाती है। ऐसा लगता है कि वह फिल्म की मुख्य किरदार है तो कुछ भी कर सकती है, जिसमें असलियत में शायद कभी नहीं किया जा सकता। फिल्म में भारतीय वायुसेना का गौरवपूर्ण तरीके से दिखाया गया है। इसमें पायलटों के साहस और समर्पण पर जोर है, देशभक्ति को लेकर अलग तरह का उत्साह है, लेकिन कभी कभी यह अंध राष्ट्रवाद की हद तक भी पहुंच जाता है। शुक्रिया, यह केवल अपनी तारीफ में कही गई फिल्म नहीं है, बल्कि यह पायलटों की बहादुरी और प्रतिबद्धता का जश्न मनाने पर केंद्रित है। करीब 2 घंटे की यह फिल्म आतंकवाद के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करती है। रेस्क्यू ऑपरेशन को इस तरह से डिजाइन किया गया है जैसे लगता है दुश्मन मूर्ख है। फिल्म का साउंडट्रैक उपयुक्त है, लेकिन यह और जबरदस्त हो सकता था। एक्शन दृश्यों को दौरान तेज और भयानक संगीत कभी कभी कहानी से ज्यादा भटकता है। कंगना रनौत का काम शानदार और एक पायलट के रूप में वह जची है। उन्होंने कई बार वायुसेना और समाज में एक स्वतंत्र सोचने वाली और बहादुर महिला के रूप में खुद को साबित करना पड़ता है। अंशुल चौहान ने उसका बखूबी साथ दिया है। वही बात करें इसकी OTT रिलीज को लेकर, तो इसे OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Zee5 पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है। कंगना रनौत की फिल्म तेजस देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू। फिल्म की कहानी, कंगना रनौत की नई फिल्म आई है तेजस। कंगना ने इंडस्ट्री में जगह पक्की करने के बाद से तमाम विषयों पर अपनी राय रखी, जो गलत था उसके खिलाफ झंडा बुलंद किया, मसलन जेंडर इक्वलिटी, मगर अब वो खुद अपनी फिल्मों की हीरो होती है, हर वो चीज करना चाहती है जो हिंदी फिल्मों के हीरो करते हैं। इसमें एक्शन और डायलॉगबाजी के साथ लेक्चर देना भी शामिल है। उन्होंने बतौर एक्टर परफॉर्मर कुछ नया या अलग करने के बजाय ऐसे किरदार चुनने शुरू कर दिए हैं जो बस कहानी के नायक हो। बतौर एक्टर कंगना का कैलिबर सबको पता है, मगर इस तरह की फिल्में और रोल्स उनके क्रॉप को प्रभावित कर रहे हैं। तेजस में कंगना ने तेजस गिल नाम के फाइटर पायलट का रोल किया है, जो कि इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा है। अगर इसे कंगना की सबसे अटीपटी परफॉर्मेंस वाली फिल्म माना जाए तो इस बात से शिकायत नहीं होनी चाहिए। ये बेसिकली एक एरियल एक्शन फिल्म है, मगर असल में टिक बॉक्स वाली फिल्म बनकर रह जाती है। जितना कुछ समाज और सोशल मीडिया पर चल रहा है, हर वो टॉपिक कवर हो जाए। 26/11 अटैक से लेकर पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम फेमिनिज्म और हाइपर नेशनलिज्म, साथ में अयोध्या के राम मंदिर का कैमियो, इनमें से किसी विषय को लेकर फिल्म सीरियस नहीं है। ये सब एक वीडियो गेम की तरह लगता है। एक दुश्मन से निपट लिए, अब दूसरे की बारी, बस यहाँ लेवल अप नहीं होता है। वीडियो गेम से फिल्म का एक सीन याद आया जिसे VFX की मदद से तैयार किया गया है। फिल्म के एक सीक्वेंस में जिसमें जेम्स बॉन्ड
फिल्मों की तर्ज पर ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की गई है। पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर घटने वाले इस सीन को देखकर ऐसा लगता है कि जिस ग्लिच के साथ ये सीन पहली बार बना उसे वैसे ही फिल्म में रख लिया गया। उसका वीएफएक्स रिफाइन या फाइन ट्यून करने की कोई कोशिश नहीं की गई। फिल्म में जितने भी हवाई जहाज वाले सीन्स हैं वो भी भरोसे लायक नहीं लगते। कुछ एक सीन्स में कंगना रनौत की आंखों में शूटिंग के दौरान सामने लगी लाइट रिफ्लेक्ट होती है, जबकि इस सीन में वो आसमान में फाइटर पायलट उड़ा रही है। अभी पिछले दिनों हमने गणपत देखी थी, तेजस और गणपत में कॉम्पिटिशन हो सकता है कि किसका वीएफएक्स ज्यादा खराब है। इंडिया ने एक बार फिर पाकिस्तान को उसकी जमीन पर जाकर हरा दिया। पाकिस्तान हिंदी सिनेमा में भोदू किरदार होकर गया। मुझे पर्सनली लगता नहीं कि पाकिस्तान लोग इतने भी बेवकूफ होते होंगे जितना वो हिंदी सिनेमा में होते हैं। तेजस से पहले कमोबेश इसी मसले पर एक फिल्म आई गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल, तुलना तो होगी मगर इस कंपैरिजन में तेजस गुंजन सक्सेना के आसपास भी नहीं पहुंच पाती, क्योंकि गुंजन सक्सेना के मेकर्स को पता था कि वो फिल्म के साथ क्या करना चाहते है। तेजस के मेकर्स ने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया या शायद वो यही खिचड़ी बनाना चाहते थे। तेजस को सर्वेश मेवड़ा ने डायरेक्ट किया है, ये उनकी पहली फिल्म है मगर वो इस फिल्म को बनाते वक्त पूरे कंट्रोल में नहीं लगते। एक क्लाइमेक्स खत्म होता है तब तक दूसरा शुरू हो जाता है, इसलिए मुझे फिल्म कभी कन्विंस ही नहीं कर पाती। फिल्म दर्शक के भीतर इमोशन पैदा करने के लिए सबसे दर्दनाक चीज का सहारा लेती है, बावजूद इसके आप कोई भाव महसूस नहीं कर पाते क्योंकि आपको लगता है कि यह आपकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल है। तेजस में इकलौती पॉजिटिव चीज मुझे लगी अंशुल चौहान, उन्होंने कंगना के जूनियर और साथी फाइटर पायलट आफिया का रोल किया है, यानी फिल्म में माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन भी है मगर यह आफिया फिल्म की कॉमिक रिलीफ है। एक सीन में आफिया का किरदार अपने सुपर सीनियर से बात करते हुए चिल्ला चिल्ला कर ये नया इंडिया है सर, वी विल किल इट सर टाइप की बातें करती है, जो कि देखते वक्त बहुत वियर्ड लगता है और थोड़ा फनी भी। अंशुल को मैंने पहली बार शुभ मंगल सावधान में देखा था। इस फिल्म में उनका एक डायलॉग मुझे आज भी याद है, खुद की शक्ल चूजे वर्गी और लड़की चाहिए कैटरीना कैफ। तेजस में आप उनका काम इसलिए भी एंजॉय कर पाते हैं क्योंकि वो बहुत ह्यूमन कैरेक्टर है, उसमें गॉड कॉम्प्लेक्स नहीं है, प्लस उसे ये भी लगता है कि वो इस फिल्म की सपोर्टिंग कैरेक्टर है। धाकड़ के बाद तेजस कंगना रनौत की एक और निराशाजनक फिल्म साबित होती है। कम से कम धाकड़ में कंगना का काम अच्छा था मगर यहाँ तो आपको वो भी नसीब नहीं होता। तेजस कुछ भी नया ऑफर नहीं करती, आपने पिछले चार फिल्मों में जो चीजें देखी बस ये फिल्म उसे समेट कर एक जगह ले आती है। इसमें थोड़ा सा कंगना रनौत मिला लीजिए, साथ में ढेर सारा ज्ञान और वीएफएक्स की मदद से बने फर्जी लगने वाले एरियल एक्शन सीक्वेंस बन गई तेजस, मगर तेजस कभी अपने होने को जस्टिफाई नहीं कर पाती। ना कहानी में दम ना नयापन, कंगना रनौत की शानदार एक्टिंग भी नहीं बचा पाई फिल्म तेजस। जाने कहां देखे इसे फ्री में। कंगना रनौत ने फिल्म में तेजस गिल का किरदार निभाया है जो कि एक IAF पायलट है। फिल्म में देशभक्ति से भरे भाषण के साथ पाकिस्तान पर भी निशाना साधा गया है। इसकी कहानी पाकिस्तान में एक चौकी के अंदर रेस्क्यू अभियान के इर्द गिर्द है जो कि विकी कौशल स्टारर उरी की याद दिलाती है। इस ऑपरेशन का उद्देश्य दुश्मन को मूर्ख बनाना और इस दौरान फिल्म तनाव और उत्तेजना पैदा करने में सफल होती है। फिल्म का पहला भाग जल्दबाजी में लगता है जैसे कोई आखिरी ट्रेन पकड़नी हो, दूसरे हिस्से में जाकर एक लय आती है। जब एक्शन सीन दिखाए जाते हैं तो क्लाइमैक्स में एडल्ट सीन अच्छा बन पड़ा है और बिना वजह शोरगुल पैदा नहीं करता है। तेजस गिल भारतीय वायुसेना में एक तेज तर्रार पायलट है जो खतरों का सामना करती है। फिल्म पूरी तरह से तेजस के इर्द गिर्द है और सभी किरदार उसके आसपास घूमते हैं। वह कई बार सीनियर अधिकारियों के आदेश की परवाह नहीं करती और अपनी जान जोखिम में डालकर अन्य अधिकारियों को बचाती है। ऐसा लगता है कि वह फिल्म की मुख्य किरदार है तो कुछ भी कर सकते हैं, जिसमें असलियत में शायद कभी नहीं किया जा सकता। फिल्म में भारतीय वायुसेना का गौरवपूर्ण तरीके से दिखाया गया है। इसमें पायलटों के साहस और समर्पण पर जोर है, देशभक्ति को लेकर अलग तरह का उत्साह है, लेकिन कभी कभी यह अंध राष्ट्रवाद की हद तक भी पहुंच जाता है। शुक्रिया, ये केवल अपनी तारीफ में कही गई फिल्म नहीं है बल्कि यह पायलटों की बहादुरी और प्रतिबद्धता का जश्न मनाने पर केंद्रित है। करीब 2 घंटे की यह फिल्म आतंकवाद के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करती है। रेस्क्यू ऑपरेशन को इस तरह से डिजाइन किया गया है जैसे लगता है दुश्मन मूर्ख है। फिल्म का साउंडट्रैक उपयुक्त है लेकिन यह और जबरदस्त हो सकता था। एक्शन दृश्यों को दौरान तेज और भयानक संगीत कभी कभी कहानी से ज्यादा भटकता है। कंगना रनौत का काम शानदार और एक पायलट के रूप में वह जची है। उन्होंने कई बार वायुसेना और समाज में एक स्वतंत्र सोचने वाली और बहादुर महिला के रूप में खुद को साबित करना पड़ता है। अंशुल चौहान ने उसका बखूबी साथ दिया है। वही बात करें इसकी OTT रिलीज को लेकर तो इसे OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Zee5 पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है।
कंगना रनौत की फिल्म तेजस देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू। फिल्म की कहानी। कंगना रनौत की नई फिल्म आई है तेजस। कंगना ने इंडस्ट्री में जगह पक्की करने के बाद से तमाम विषयों पर अपनी राय रखी। जो गलत था उसके खिलाफ झंडा बुलंद किया, मसलन जेंडर इक्वलिटी, मगर अब वो खुद अपनी फिल्मों की हीरो होती है। हर वो चीज करना चाहती है जो हिंदी फिल्मों के हीरो करते हैं। इसमें एक्शन और डायलॉगबाजी के साथ लेक्चर देना भी शामिल है। उन्होंने बतौर एक्टर परफॉर्मर कुछ नया या अलग करने के बजाय ऐसे किरदार चुनने शुरू कर दिए हैं जो बस कहानी के नायक हो। बतौर एक्टर कंगना का कैलिबर सबको पता है, मगर इस तरह की फिल्में और रोल्स उनके क्रॉप को प्रभावित कर रहे हैं। तेजस में कंगना ने तेजस गिल नाम की फाइटर पायलट का रोल किया है जो कि इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा है। अगर इसे कंगना की सबसे अटीपटी परफॉर्मेंस वाली फिल्म माना जाए तो इस बात से शिकायत नहीं होनी चाहिए। ये बेसिकली एक एरियल एक्शन फिल्म है, मगर असल में टिक बॉक्स वाली फिल्म बनकर रह जाती है। जितना कुछ समाज और सोशल मीडिया पर चल रहा है हर वो टॉपिक कवर हो जाए। 26/11 अटैक से लेकर पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम फेमिनिज्म और हाइपर नेशनलिज्म, साथ में अयोध्या के राम मंदिर का कैमियो, इनमें से किसी विषय को लेकर फिल्म सीरियस नहीं है। ये सब एक वीडियो गेम की तरह लगता है। एक दुश्मन से निपट लिए, अब दूसरे की बारी, बस यहाँ लेवल अप नहीं होता है। वीडियो गेम से फिल्म का एक सीन याद आया जिसे VFX की मदद से तैयार किया गया है। फिल्म के एक सीक्वेंस में जिसमें जेम्स बॉन्ड फिल्मों की तर्ज पर ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की गई है। पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर घटने वाले इस सीन को देखकर ऐसा लगता है कि जिस ग्लिच के साथ ये सीन पहली बार बना उसे वैसे ही फिल्म में रख लिया गया। उसका VFX रिफाइन या फाइन ट्यून करने की कोई कोशिश नहीं की गई। फिल्म में जितने भी हवाई जहाज वाले सीन्स हैं वो भी भरोसे लायक नहीं लगते। कुछ एक सीन्स में कंगना रनौत की आंखों में शूटिंग के दौरान सामने लगी लाइट रिफ्लेक्ट होती है, जबकि इस सीन में वो आसमान में फाइटर पायलट उड़ा रही है। अभी पिछले दिनों हमने गणपत देखी थी। तेजस और गणपत में कॉम्पिटिशन हो सकता है कि किसका VFX ज्यादा खराब है। इंडिया ने एक बार फिर पाकिस्तान को उसकी जमीन पर जाकर हरा दिया। पाकिस्तान हिंदी सिनेमा में भोदू किरदार होकर गया। मुझे पर्सनली लगता नहीं कि पाकिस्तान लोग इतने भी बेवकूफ होते होंगे जितना वो हिंदी सिनेमा में होते हैं। तेजस से पहले कमोबेश इसी मसले पर एक फिल्म आई, गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल। तुलना तो होगी, मगर इस कंपैरिजन में तेजस गुंजन सक्सेना के आसपास भी नहीं पहुंच पाती, क्योंकि गुंजन सक्सेना के मेकर्स को पता था कि वो फिल्म के साथ क्या करना चाहते है। तेजस के मेकर्स ने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया, या शायद वो यही खिचड़ी बनाना चाहते थे। तेजस को सर्वेश मेवड़ा ने डायरेक्ट किया है, ये उनकी पहली फिल्म है, मगर वो इस फिल्म को बनाते वक्त पूरे कंट्रोल में नहीं लगते। एक क्लाइमेक्स खत्म होता है तब तक दूसरा शुरू हो जाता है, इसलिए मुझे फिल्म कभी कन्विंसिंग नहीं कर पाती। फिल्म दर्शक के भीतर इमोशन पैदा करने के लिए सबसे दर्दनाक चीज का सहारा लेती है, बावजूद इसके आप कोई भाव महसूस नहीं कर पाते क्योंकि आपको लगता है कि ये आपकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल है। तेजस में इकलौती पॉजिटिव चीज मुझे लगी अंशुल चौहान। उन्होंने कंगना के जूनियर और साथी फाइटर पायलट आफिया का रोल किया है, यानी फिल्म में माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन भी है, मगर ये आफिया फिल्म की कॉमिक रिलीफ है। एक सीन में आफिया का किरदार अपने सुपर सीनियर से बात करते हुए चिल्ला चिल्ला कर ये नया इंडिया है सर, वी विल किल इट सर टाइप की बातें करती है, जो कि देखते वक्त बहुत वियर्ड लगता है और थोड़ा फनी भी। अंशुल को मैंने पहली बार शुभ मंगल सावधान में देखा था। इस फिल्म में उनका एक डायलॉग मुझे आज भी याद है, खुद की शक्ल चूजे वर्गी और लड़की चाहिए कैटरीना कैफ। तेजस में आप उनका काम इसलिए भी एंजॉय कर पाते हैं क्योंकि वो बहुत ह्यूमन कैरेक्टर है, उसमें गॉड कॉम्प्लेक्स नहीं है, प्लस उसे ये भी लगता है कि वो इस फिल्म की सपोर्टिंग कैरेक्टर है। धाकड़ के बाद तेजस कंगना रनौत की एक और निराशाजनक फिल्म साबित होती है। कम से कम धाकड़ में कंगना का काम अच्छा था, मगर यहाँ तो आपको वो भी नसीब नहीं होता। तेजस कुछ भी नया ऑफर नहीं करती। आपने पिछले 4 फिल्मों में जो चीजें देखी बस ये फिल्म उसे समेट कर एक जगह ले आती है। इसमें थोड़ा सा कंगना रनौत मिला लीजिए, साथ में ढेर सारा ज्ञान और VFX की मदद से बने फर्जी लगने वाले एरियल एक्शन सीक्वेंस बन गई तेजस, मगर तेजस कभी अपने होने को जस्टिफाई नहीं कर पाती। ना कहानी में दम ना नयापन, कंगना रनौत की शानदार एक्टिंग भी नहीं बचा पाई फिल्म तेजस। जाने कहां देखे इसे फ्री में। कंगना रनौत ने फिल्म में तेजस गिल का किरदार निभाया है जो कि एक IAF पायलट है। फिल्म में देशभक्ति से भरे भाषण के साथ पाकिस्तान पर भी निशाना साधा गया है। इसकी कहानी पाकिस्तान में एक चौकी के अंदर रेस्क्यू अभियान के इर्द गिर्द है जो कि विकी कौशल स्टारर उरी की याद दिलाती है। इस ऑपरेशन का उद्देश्य दुश्मन को मूर्ख बनाना और इस दौरान फिल्म तनाव और उत्तेजना पैदा करने में सफल होती है। फिल्म का पहला भाग जल्दबाजी में लगता है जैसे कोई आखिरी ट्रेन पकड़नी हो, दूसरे हिस्से में जाकर एक लय आती है। जब एक्शन सीन दिखाए जाते हैं तो क्लाइमैक्स में एरियल सीन अच्छा बन पड़ा है और बिना वजह
शोरगुल पैदा नहीं करता है। तेजस गिल भारतीय वायुसेना में एक तेज तर्रार पायलट है जो खतरों का सामना करती है। फिल्म पूरी तरह से तेजस के इर्द गिर्द है और सभी किरदार उसके आसपास घूमते हैं। वह कई बार सीनियर अधिकारियों के आदेश की परवाह नहीं करती और अपनी जान जोखिम में डालकर अन्य अधिकारियों को बचाती है। ऐसा लगता है कि वह फिल्म की मुख्य किरदार है तो कुछ भी कर सकती है, जिसमें असलियत में शायद कभी नहीं किया जा सकता। फिल्म में भारतीय वायुसेना का गौरवपूर्ण तरीके से दिखाया गया है। इसमें पायलटों के साहस और समर्पण पर जोर है, देशभक्ति को लेकर अलग तरह का उत्साह है, लेकिन कभी कभी यह अंध राष्ट्रवाद की हद तक भी पहुंच जाता है। शुक्रिया, यह केवल अपनी तारीफ में कही गई फिल्म नहीं है, बल्कि यह पायलटों की बहादुरी और प्रतिबद्धता का जश्न मनाने पर केंद्रित है। करीब 2 घंटे की यह फिल्म आतंकवाद के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करती है। रेस्क्यू ऑपरेशन को इस तरह से डिजाइन किया गया है जैसे लगता है दुश्मन मुल्क है। फिल्म का साउंडट्रैक उपयुक्त है, लेकिन यह और जबरदस्त हो सकता था। एक्शन दृश्यों को दौरान तेज और भयानक संगीत कभी कभी कहानी से ज्यादा भटकता है। कंगना रनौत का काम शानदार और एक पायलट के रूप में वह जची है। उन्होंने कई बार वायुसेना और समाज में एक स्वतंत्र सोचने वाली और बहादुर महिला के रूप में खुद को साबित करना पड़ता है। अंशुल चौहान ने उसका बखूबी साथ दिया है। वही बात करें इसकी OTT रिलीज को लेकर, तो इसे OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Zee5 पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है। कंगना रनौत की फिल्म तेजस देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू। फिल्म की कहानी, कंगना रनौत की नई फिल्म आई है तेजस। कंगना ने इंडस्ट्री में जगह पक्की करने के बाद से तमाम विषयों पर अपनी राय रखी। जो गलत था उसके खिलाफ झंडा बुलंद किया, मसलन जेंडर इक्वलिटी, मगर अब वो खुद अपनी फिल्मों की हीरो होती है। हर वो चीज करना चाहती है जो हिंदी फिल्मों के हीरो करते हैं। इसमें एक्शन और डायलॉग बाजी के साथ लेक्चर देना भी शामिल है। उन्होंने बतौर एक्टर परफॉर्मर कुछ नया या अलग करने के बजाय ऐसे किरदार चुनने शुरू कर दिए हैं जो बस कहानी के नायक हो। बतौर एक्टर कंगना का कैलिबर सबको पता है, मगर इस तरह की फिल्में और रोल्स उनके क्रॉप को प्रभावित कर रहे हैं। तेजस में कंगना ने तेजस गिल नाम के फाइटर पायलट का रोल किया है जो कि इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा है। अगर इसे कंगना की सबसे अटीपटी परफॉर्मेंस वाली फिल्म माना जाए तो इस बात से शिकायत नहीं होनी चाहिए। यह बेसिकली एक एरियल एक्शन फिल्म है, मगर असल में टिक बॉक्स वाली फिल्म बनकर रह जाती है। जितना कुछ समाज और सोशल मीडिया पर चल रहा है, हर वो टॉपिक कवर हो जाए। 26/11 अटैक से लेकर पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम फेमिनिज्म और हाइपर नेशनलिज्म, साथ में अयोध्या के राम मंदिर का कैमियो, इनमें से किसी विषय को लेकर फिल्म सीरियस नहीं है। ये सब एक वीडियो गेम की तरह लगता है। एक दुश्मन से निपट लिए, अब दूसरे की बारी, बस यहाँ लेवल अप नहीं होता है। वीडियो गेम से फिल्म का एक सीन याद आया जिसे VFX की मदद से तैयार किया गया है। फिल्म के एक सीक्वेंस में जिसमें जेम्स बॉन्ड फिल्मों की तर्ज पर ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की गई है। पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर घटने वाले इस सीन को देखकर ऐसा लगता है कि जिस ग्लिच के साथ ये सीन पहली बार बना उसे वैसे ही फिल्म में रख लिया गया। उसका VFX रिफाइन या फाइन ट्यून करने की कोई कोशिश नहीं की गई। फिल्म में जितने भी हवाई जहाज वाले सीन्स हैं, वो भी भरोसे लायक नहीं लगते। कुछ एक सीन्स में कंगना रनौत की आंखों में शूटिंग के दौरान सामने लगी लाइट रिफ्लेक्ट होती है, जबकि इस सीन में वो आसमान में फाइटर पायलट उड़ा रही है। अभी पिछले दिनों हमने गणपत देखी थी। तेजस और गणपत में कॉम्पिटिशन हो सकता है कि किसका VFX ज्यादा खराब है। इंडिया ने एक बार फिर पाकिस्तान को उसकी जमीन पर जाकर हरा दिया। पाकिस्तान हिंदी सिनेमा में भोदू किरदार होकर गया। मुझे पर्सनली लगता नहीं कि पाकिस्तान लोग इतने भी बेवकूफ होते होंगे जितना वो हिंदी सिनेमा में होते हैं। तेजस से पहले कमोबेश इसी मसले पर एक फिल्म आई, गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल। तुलना तो होगी, मगर इस कंपैरिजन में तेजस गुंजन सक्सेना के आसपास भी नहीं पहुंच पाती, क्योंकि गुंजन सक्सेना के मेकर्स को पता था कि वो फिल्म के साथ क्या करना चाहते है। तेजस के मेकर्स ने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया, या शायद वो यही खिचड़ी बनाना चाहते थे। तेजस को सर्वेश मेवड़ा ने डायरेक्ट किया है, ये उनकी पहली फिल्म है, मगर वो इसी फिल्म को बनाते वक्त पूरे कंट्रोल में नहीं लगते। एक क्लाइमेक्स खत्म होता है तब तक दूसरा शुरू हो जाता है, इसलिए मुझे फिल्म कभी कन्विंस ही नहीं कर पाती। फिल्म दर्शक के भीतर इमोशन पैदा करने के लिए सबसे दर्दनाक चीज का सहारा लेती है, बावजूद इसके आप कोई भाव महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि आपको लगता है कि ये आपकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल है। तेजस में इकलौती पॉजिटिव चीज मुझे लगी अंशुल चौहान। उन्होंने कंगना के जूनियर और साथी फाइटर पायलट आफिया का रोल किया है, यानी फिल्म में माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन भी है, मगर यह आफिया फिल्म की कॉमिक रिलीफ है। एक सीन में आफिया का किरदार अपने सुपर सीनियर से बात करते हुए चिल्ला चिल्ला कर ये नया इंडिया है सर, वी विल किल इट सर टाइप की बातें करती है।
जो कि देखते वक्त बहुत वियर्ड लगता है और थोड़ा फनी भी। अंशुल को मैंने पहली बार शुभ मंगल सावधान में देखा था। इस फिल्म में उनका एक डायलॉग मुझे आज भी याद है, खुद की शक्ल चूजे वर्गी और लड़की चाहिए कैटरीना कैफ। तेजस में आप उनका काम इसलिए भी एंजॉय कर पाते हैं क्योंकि वो बहुत ह्यूमन कैरेक्टर है, उसमें गॉड कॉम्प्लेक्स नहीं है। प्लस उसे ये भी लगता है कि वो इस फिल्म की सपोर्टिंग कैरेक्टर है। धाकड़ के बाद तेजस कंगना रनौत की एक और निराशाजनक फिल्म साबित होती है। कम से कम धाकड़ में कंगना का काम अच्छा था, मगर यहाँ तो आपको वो भी नसीब नहीं होता। तेजस कुछ भी नया ऑफर नहीं करती। आपने पिछले चार फिल्मों में जो चीजें देखी बस ये फिल्म उसे समेट कर एक जगह ले आती है। इसमें थोड़ा सा कंगना रनौत मिला लीजिए, साथ में ढेर सारा ज्ञान और VFX की मदद से बने फर्जी लगने वाले एरियल एक्शन सीक्वेंस बन गई तेजस, मगर तेजस कभी अपने होने को जस्टिफाई नहीं कर पाती। न कहानी में दम न नयापन, कंगना रनौत की शानदार एक्टिंग भी नहीं बचा पाई फिल्म तेजस। जाने कहां देखे इसे फ्री में। कंगना रनौत ने फिल्म में तेजस गिल का किरदार निभाया है जो कि एक IF पायलट है। फिल्म में देशभक्ति से भरे भाषण के साथ पाकिस्तान पर भी निशाना साधा गया है। इसकी कहानी पाकिस्तान में एक चौकी के अंदर रेस्क्यू अभियान के इर्द गिर्द है जो कि विकी कौशल स्टारर उरी की याद दिलाती है। इस ऑपरेशन का उद्देश्य दुश्मन को मूर्ख बनाना और इस दौरान फिल्म तनाव और उत्तेजना पैदा करने में सफल होती है। फिल्म का पहला भाग जल्दबाजी में लगता है जैसे कोई आखिरी ट्रेन पकड़नी हो। दूसरे हिस्से में जाकर एक लय आती है। जब एक्शन सीन दिखाए जाते हैं तो क्लाइमैक्स में एरियल सीन अच्छा बन पड़ा है और बिना वजह शोरगुल पैदा नहीं करता है। तेजस गिल भारतीय वायुसेना में एक तेज तर्रार पायलट है जो खतरों का सामना करती है। फिल्म पूरी तरह से तेजस के इर्द गिर्द है और सभी किरदार उसके आसपास घूमते हैं। वह कई बार सीनियर अधिकारियों के आदेश की परवाह नहीं करती और अपनी जान जोखिम में डालकर अन्य अधिकारियों को बचाती है। ऐसा लगता है कि वह फिल्म की मुख्य किरदार है तो कुछ भी कर सकती है, जिसमें असलियत में शायद कभी नहीं किया जा सकता। फिल्म में भारतीय वायुसेना का गौरवपूर्ण तरीके से दिखाया गया। इसमें पायलटों के साहस और समर्पण पर जोर है, देशभक्ति को लेकर अलग तरह का उत्साह है, लेकिन कभी कभी यह अंध राष्ट्रवाद की हद तक भी पहुंच जाता है। शुक्रिया, यह केवल अपनी तारीफ में कही गई फिल्म नहीं है बल्कि यह पायलटों की बहादुरी और प्रतिबद्धता का जश्न मनाने पर केंद्रित है। करीब 2 घंटे की यह फिल्म आतंकवाद के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करती है। रेस्क्यू ऑपरेशन को इस तरह से डिजाइन किया गया है जैसे लगता है दुश्मन मूर्ख है। फिल्म का साउंड ट्रैक उपयुक्त है लेकिन यह और जबरदस्त हो सकता था। एक्शन दृश्यों को दौरान तेज और भयानक संगीत कभी कभी कहानी से ज्यादा भटकता है। कंगना रनौत का काम शानदार और एक पायलट के रूप में वह जची है। उन्होंने कई बार वायुसेना और समाज में एक स्वतंत्र सोचने वाली और बहादुर महिला के रूप में खुद को साबित करना पड़ता है। अंशुल चौहान ने उसका बखूबी साथ दिया है। वही बात करें इसकी OTT रिलीज को लेकर तो इसे OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Zee5 पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है। कंगना रनौत की फिल्म तेजस देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू। फिल्म की कहानी, कंगना रनौत की नई फिल्म आई है तेजस। कंगना ने इंडस्ट्री में जगह पक्की करने के बाद से तमाम विषयों पर अपनी राय रखी। जो गलत था उसके खिलाफ झंडा बुलंद किया, मसलन जेंडर इक्वलिटी, मगर अब वो खुद अपनी फिल्मों की हीरो होती है। हर वो चीज करना चाहती है जो हिंदी फिल्मों के हीरो करते हैं। इसमें एक्शन और डायलॉग बाजी के साथ लेक्चर देना भी शामिल है। उन्होंने बतौर एक्टर परफॉर्मर कुछ नया या अलग करने के बजाय ऐसे किरदार चुनने शुरू कर दिए हैं जो बस कहानी के नायक हो। बतौर एक्टर कंगना का कैलिबर सबको पता है, मगर इस तरह की फिल्में और रोल्स उनके क्रॉप को प्रभावित कर रहे हैं। तेजस में कंगना ने तेजस गिल नाम के फाइटर पायलट का रोल किया है जो कि इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा है। अगर इसे कंगना की सबसे अटीपटी परफॉर्मेंस वाली फिल्म माना जाए तो इस बात से शिकायत नहीं होनी चाहिए। यह बेसिकली एक एरियल एक्शन फिल्म है, मगर असल में टिक बॉक्स वाली फिल्म बनकर रह जाती है। जितना कुछ समाज और सोशल मीडिया पर चल रहा है हर वो टॉपिक कवर हो जाए। 26/11 अटैक से लेकर पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम फेमिनिज्म और हाइपर नेशनलिज्म, साथ में अयोध्या के राम मंदिर का कैमियो, इनमें से किसी विषय को लेकर फिल्म सीरियस नहीं है। ये सब एक वीडियो गेम की तरह लगता है। एक दुश्मन से निपट लिए, अब दूसरे की बारी, बस यहाँ लेवल अप नहीं होता है। वीडियो गेम से फिल्म का एक सीन याद आया जिसे VFX की मदद से तैयार किया गया है। फिल्म के एक सीक्वेंस में जिसमें जेम्स बॉन्ड फिल्मों की तर्ज पर ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की गई है। पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर घटने वाले इस सीन को देखकर ऐसा लगता है कि जिस ग्लिच के साथ ये सीन पहली बार बना उसे वैसे ही फिल्म में रख लिया गया। उसका VFX रिफाइन या फाइन ट्यून करने की कोई कोशिश नहीं की गई। फिल्म में जितने भी हवाई जहाज वाले सीन्स हैं वो भी भरोसे लायक नहीं लगते। कुछ एक सीन्स में कंगना रनौत की आंखों में शूटिंग के दौरान सामने लगी लाइट रिफ्लेक्ट होती है, जबकि इस सीन में वो आसमान में फाइटर पायलट उड़ा रही है। अभी पिछले दिनों हमने गणपत देखी थी
तेजस और गणपत में कंपटीशन हो सकता है कि किसका वीएफएक्स ज्यादा खराब है। इंडिया ने एक बार फिर पाकिस्तान को उसके जमीन पर जाकर हरा दिया। पाकिस्तान हिंदी सिनेमा में भोदू किरदार होकर गया। मुझे पर्सनली लगता नहीं कि पाकिस्तान लोग इतने भी बेवकूफ होते होंगे जितना वो हिंदी सिनेमा में होते हैं। तेजस से पहले कमोबेश इसी मसले पर एक फिल्म आई गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल, तुलना तो होगी मगर इस कंपैरिजन में तेजस गुंजन सक्सेना के आसपास भी नहीं पहुंच पाती, क्योंकि गुंजन सक्सेना के मेकर्स को पता था कि वो फिल्म के साथ क्या करना चाहते हैं। तेजस के मेकर्स ने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया या शायद वो यही खिचड़ी बनाना चाहते थे। तेजस को सर्वेश मेवड़ा ने डायरेक्ट किया है, ये उनकी पहली फिल्म है मगर वो इसी फिल्म को बनाते वक्त पूरे कंट्रोल में नहीं लगते। एक क्लाइमेक्स खत्म होता है तब तक दूसरा शुरू हो जाता है, इसलिए मुझे फिल्म कभी कन्विंस ही नहीं कर पाती। फिल्म दर्शकों के भीतर इमोशन पैदा करने के लिए सबसे दर्दनाक चीज का सहारा लेती है, बावजूद इसके आप कोई भाव महसूस नहीं कर पाते क्योंकि आपको लगता है कि ये आपकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल है। तेजस में इकलौती पॉजिटिव चीज मुझे लगी अंशुल चौहान, उन्होंने कंगना के जूनियर और साथी फाइटर पायलट आफिया का रोल किया है, यानी फिल्म में माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन भी है मगर ये आफिया फिल्म की कॉमिक रिलीफ है। एक सीन में आफिया का किरदार अपने सुपर सीनियर से बात करते हुए चिल्ला चिल्ला कर ये नया इंडिया है सर, वी विल किल इट सर टाइप की बातें करती है जो कि देखते वक्त बहुत वियर्ड लगता है और थोड़ा फनी भी। अंशुल को मैंने पहली बार शुभ मंगल सावधान में देखा था। इस फिल्म में उनका एक डायलॉग मुझे आज भी याद है, खुद की शक्ल चूजे वर्गी और लड़की चाहिए कैटरीना कैफ। तेजस में आप उनका काम इसलिए भी एंजॉय कर पाते हैं क्योंकि वो बहुत ह्यूमन कैरेक्टर है, उसमें गॉड कॉम्प्लेक्स नहीं है, प्लस उसे ये भी लगता है कि वो इस फिल्म की सपोर्टिंग कैरेक्टर है। धाकड़ के बाद तेजस कंगना रनौत की एक और निराशाजनक फिल्म साबित होती है। कम से कम धाकड़ में कंगना का काम अच्छा था मगर यहाँ तो आपको वो भी नसीब नहीं होता। तेजस कुछ भी नया ऑफर नहीं करती, आपने पिछले चार फिल्मों में जो चीजें देखी बस ये फिल्म उसे समेट कर एक जगह ले आती है। इसमें थोड़ा सा कंगना रनौत मिला लीजिए, साथ में ढेर सारा ज्ञान और वीएफएक्स की मदद से बने फर्जी लगने वाले एरियल एक्शन सीक्वेंस बन गई तेजस, मगर तेजस कभी अपने होने को जस्टिफाई नहीं कर पाती। न कहानी में दम न नयापन, कंगना रनौत की शानदार एक्टिंग भी नहीं बचा पाई फिल्म तेजस, जाने कहां देखे इसे फ्री में। कंगना रनौत ने फिल्म में तेजस गिल का किरदार निभाया है जो कि एक IF पायलट है। फिल्म में देशभक्ति से भरे भाषण के साथ पाकिस्तान पर भी निशाना साधा गया है। इसकी कहानी पाकिस्तान में एक चौकी के अंदर रेस्क्यू अभियान के इर्द गिर्द है जो कि विकी कौशल स्टारर उरी की याद दिलाती है। इस ऑपरेशन का उद्देश्य दुश्मन को मूर्ख बनाना और इस दौरान फिल्म तनाव और उत्तेजना पैदा करने में सफल होती है। फिल्म का पहला भाग जल्दबाजी में लगता है जैसे कोई आखिरी ट्रेन पकड़नी हो, दूसरे हिस्से में जाकर एक लय आती है। जब एक्शन सीन दिखाए जाते हैं तो क्लाइमैक्स में एरियल सीन अच्छा बन पड़ा है और बिना वजह शोरगुल पैदा नहीं करता है। तेजस गिल भारतीय वायुसेना में एक तेज तर्रार पायलट है जो खतरों का सामना करती है। फिल्म पूरी तरह से तेजस के इर्द गिर्द है और सभी किरदार उसके आसपास घूमते हैं। वह कई बार सीनियर अधिकारियों के आदेश की परवाह नहीं करती और अपनी जान जोखिम में डालकर अन्य अधिकारियों को बचाती है। ऐसा लगता है कि वह फिल्म की मुख्य किरदार है तो कुछ भी कर सकती है, जिसमें असलियत में शायद कभी नहीं किया जा सकता। फिल्म में भारतीय वायुसेना का गौरवपूर्ण तरीके से दिखाया गया है। इसमें पायलटों के साहस और समर्पण पर जोर है, देशभक्ति को लेकर अलग तरह का उत्साह है, लेकिन कभी कभी यह अंध राष्ट्रवाद की हद तक भी पहुंच जाता है। शुक्रिया, यह केवल अपनी तारीफ में कही गई फिल्म नहीं है बल्कि यह पायलटों की बहादुरी और प्रतिबद्धता का जश्न मनाने पर केंद्रित है। करीब 2 घंटे की यह फिल्म आतंकवाद के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करती है। रेस्क्यू ऑपरेशन को इस तरह से डिजाइन किया गया है जैसे लगता है दुश्मन मूर्ख है। फिल्म का साउंड ट्रैक उपयुक्त है लेकिन यह और जबरदस्त हो सकता था। एक्शन दृश्यों को दौरान तेज और भयानक संगीत कभी कभी कहानी से ज्यादा भटकता है। कंगना रनौत का काम शानदार और एक पायलट के रूप में वह जची है। उन्होंने कई बार वायुसेना और समाज में एक स्वतंत्र सोचने वाली और बहादुर महिला के रूप में खुद को साबित करना पड़ता है। अंशुल चौहान ने उसका बखूबी साथ दिया है। वही बात करें इसकी OTT रिलीज को लेकर तो इसे OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Zee5 पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है। कंगना रनौत की फिल्म तेजस देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू। फिल्म की कहानी, कंगना रनौत की नई फिल्म आई है तेजस। कंगना ने इंडस्ट्री में जगह पक्की करने के बाद से तमाम विषयों पर अपनी राय रखी, जो गलत था उसके खिलाफ झंडा बुलंद किया, मसलन जेंडर इक्वलिटी, मगर अब वो खुद अपनी फिल्मों की हीरो होती है, हर वो चीज करना चाहती है जो हिंदी फिल्मों के हीरो करते हैं। इसमें एक्शन और डायलॉग बाजी के साथ लेक्चर देना भी शामिल है। उन्होंने बतौर एक्टर परफॉर्मर कुछ नया या अलग करने के बजाय ऐसे किरदार चुनने शुरू कर दिए हैं जो बस कहानी के नायक हो। बतौर एक्टर कंगना का कैलिबर सबको पता है मगर इस तरह की फिल्में और रोल्स उनके
क्रॉप को प्रभावित कर रहे हैं। तेजस में कंगना ने तेजस गिल नाम के फाइटर पायलट का रोल किया है जो कि इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा है। अगर इसे कंगना की सबसे अटीपटी परफॉर्मेंस वाली फिल्म माना जाए तो इस बात से शिकायत नहीं होनी चाहिए। ये बेसिकली एक एरियल एक्शन फिल्म है मगर असल में टिक बॉक्स वाली फिल्म बनकर रह जाती है। जितना कुछ समाज और सोशल मीडिया पर चल रहा है हर वो टॉपिक कवर हो जाए। 26/11 अटैक से लेकर पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम फेमिनिज्म और हाइपर नेशनलिज्म, साथ में अयोध्या के राम मंदिर का कैमियो, इनमें से किसी विषय को लेकर फिल्म सीरियस नहीं है। ये सब एक वीडियो गेम की तरह लगता है। एक दुश्मन से निपट लिए अब दूसरे की बारी, बस यहाँ लेवल अप नहीं होता है। वीडियो गेम से फिल्म का एक सीन याद आया जिसे VFX की मदद से तैयार किया गया है। फिल्म के एक सीक्वेंस में जिसमें जेम्स बॉन्ड फिल्मों की तर्ज पर ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की गई है। पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर घटने वाले इस सीन को देखकर ऐसा लगता है कि जिस ग्लिच के साथ ये सीन पहली बार बना उसे वैसे ही फिल्म में रख लिया गया। उसका VFX रिफाइन या फाइन ट्यून करने की कोई कोशिश नहीं की गई। फिल्म में जितने भी हवाई जहाज वाले सीन्स है वो भी भरोसे लायक नहीं लगते। कुछ एक सीन्स में कंगना रनौत की आंखों में शूटिंग के दौरान सामने लगी लाइट रिफ्लेक्ट होती है जबकि इस सीन में वो आसमान में फाइटर पायलट उड़ा रही है। अभी पिछले दिनों हमने गणपत देखी थी, तेजस और गणपत में कंपटीशन हो सकता है कि किसका VFX ज्यादा खराब है। इंडिया ने एक बार फिर पाकिस्तान को उसकी जमीन पर जाकर हरा दिया। पाकिस्तान हिंदी सिनेमा में भोदू किरदार होकर गया। मुझे पर्सनली लगता नहीं कि पाकिस्तान लोग इतने भी बेवकूफ होते होंगे जितना वो हिंदी सिनेमा में होते हैं। तेजस से पहले कमोबेश इसी मसले पर एक फिल्म आई गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल तुलना तो होगी मगर इस कंपैरिजन में तेजस गुंजन सक्सेना के आसपास भी नहीं पहुंच पाती क्योंकि गुंजन सक्सेना के मेकर्स को पता था कि वो फिल्म के साथ क्या करना चाहते हैं। तेजस के मेकर्स ने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया या शायद वो यही खिचड़ी बनाना चाहते थे। तेजस को सर्वेश मेवड़ा ने डायरेक्ट किया है, ये उनकी पहली फिल्म है मगर वो इसी फिल्म को बनाते वक्त पूरे कंट्रोल में नहीं लगते। एक क्लाइमेक्स खत्म होता है तब तक दूसरा शुरू हो जाता है इसलिए मुझे फिल्म कभी कन्विंस ही नहीं कर पाती। फिल्म दर्शकों के भीतर इमोशन पैदा करने के लिए सबसे दर्दनाक चीज का सहारा लेती है, बावजूद इसके आप कोई भाव महसूस नहीं कर पाते क्योंकि आपको लगता है कि ये आपकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल है। तेजस में इकलौती पॉजिटिव चीज मुझे लगी अंशुल चौहान, उन्होंने कंगना के जूनियर और साथी फाइटर पायलट आफिया का रोल किया है, यानी फिल्म में माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन भी है मगर ये आफिया फिल्म की कॉमिक रिलीफ है। एक सीन में आफिया का किरदार अपने सुपर सीनियर से बात करते हुए चिल्ला चिल्ला कर ये नया इंडिया है सर, वी विल किल इट सर टाइप की बातें करती है जो कि देखते वक्त बहुत वियर्ड लगता है और थोड़ा फनी भी। अंशुल को मैंने पहली बार शुभ मंगल सावधान में देखा था। इस फिल्म में उनका एक डायलॉग मुझे आज भी याद है, खुद की शक्ल चूजे वर्गी और लड़की चाहिए कैटरीना कैफ। तेजस में आप उनका काम इसलिए भी एंजॉय कर पाते हैं क्योंकि वो बहुत ह्यूमन कैरेक्टर है, उसमें गॉड कॉम्प्लेक्स नहीं है। प्लस उसे ये भी लगता है कि वो इस फिल्म की सपोर्टिंग कैरेक्टर है। धाकड़ के बाद तेजस कंगना रनौत की एक और निराशाजनक फिल्म साबित होती है। कम से कम धाकड़ में कंगना का काम अच्छा था मगर यहाँ तो आपको वो भी नसीब नहीं होता। तेजस कुछ भी नया ऑफर नहीं करती। आपने पिछले 4 फिल्मों में जो चीजें देखी बस ये फिल्म उसे समेट कर एक जगह ले आती है। इसमें थोड़ा सा कंगना रनौत मिला लीजिए, साथ में ढेर सारा ज्ञान और VFX की मदद से बने फर्जी लगने वाले एरियल एक्शन सीक्वेंस बन गई तेजस, मगर तेजस कभी अपने होने को जस्टिफाई नहीं कर पाती। ना कहानी में दम ना नयापन, कंगना रनौत की शानदार एक्टिंग भी नहीं बचा पाई फिल्म तेजस। जाने कहां देखे इसे फ्री में। कंगना रनौत ने फिल्म में तेजस गिल का किरदार निभाया है जो कि एक IAF पायलट है। फिल्म में देशभक्ति से भरे भाषण के साथ पाकिस्तान पर भी निशाना साधा गया है। इसकी कहानी पाकिस्तान में एक चौकी के अंदर रेस्क्यू अभियान के इर्द गिर्द है जो कि विकी कौशल स्टारर उरी की याद दिलाती है। इस ऑपरेशन का उद्देश्य दुश्मन को मूर्ख बनाना और इस दौरान फिल्म तनाव और उत्तेजना पैदा करने में सफल होती है। फिल्म का पहला भाग जल्दबाजी में लगता है जैसे कोई आखिरी ट्रेन पकड़नी हो, दूसरे हिस्से में जाकर एक लय आती है। जब एक्शन सीन दिखाए जाते हैं तो क्लाइमैक्स में एडिट सीन अच्छा बन पड़ा है और बिना वजह शोरगुल पैदा नहीं करता है। तेजस गिल भारतीय वायुसेना में एक तेज तर्रार पायलट है जो खतरों का सामना करती है। फिल्म पूरी तरह से तेजस के इर्द गिर्द है और सभी किरदार उसके आसपास घूमते हैं। वह कई बार सीनियर अधिकारियों के आदेश की परवाह नहीं करती और अपनी जान जोखिम में डालकर अन्य अधिकारियों को बचाती है। ऐसा लगता है कि वह फिल्म की मुख्य किरदार है तो कुछ भी कर सकती है जिसमें असलियत में शायद कभी नहीं किया जा सकता। फिल्म में भारतीय वायुसेना का गौरवपूर्ण तरीके से दिखाया गया है। इसमें पायलटों के साहस और समर्पण पर जोर है, देशभक्ति को लेकर अलग तरह का उत्साह है, लेकिन कभी कभी यह अंध राष्ट्रवाद की हद तक भी पहुंच जाता है। शुक्रिया, ये केवल अपनी तारीफ में कही गई फिल्म नहीं है
बल्कि यह पायलटों की बहादुरी और प्रतिबद्धता का जश्न मनाने पर केंद्रित है। करीब 2 घंटे की यह फिल्म आतंकवाद के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करती है। रेस्क्यू ऑपरेशन को इस तरह से डिजाइन किया गया है जैसे लगता है दुश्मन मूर्ख है। फिल्म का साउंड ट्रैक उपयुक्त है लेकिन यह और जबरदस्त हो सकता था। एक्शन दृश्यों को दौरान तेज और भयानक संगीत कभी कभी कहानी से ज्यादा भटकता है। कंगना रनौत का काम शानदार और एक पायलट के रूप में वह जची है। उन्होंने कई बार वायुसेना और समाज में एक स्वतंत्र सोचने वाली और बहादुर महिला के रूप में खुद को साबित करना पड़ता है। अंशुल चौहान ने उसका बखूबी साथ दिया है। वही बात करें इसकी ओटीटी रिलीज को लेकर तो इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Zee5 पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है। कंगना रनौत की फिल्म तेजस देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू। फिल्म की कहानी। कंगना रनौत की नई फिल्म आई है तेजस। कंगना ने इंडस्ट्री में जगह पक्की करने के बाद से तमाम विषयों पर अपनी राय रखी। जो गलत था उसके खिलाफ झंडा बुलंद किया, मसलन जेंडर इक्वलिटी, मगर अब वो खुद अपनी फिल्मों की हीरो होती है। हर वो चीज करना चाहती है जो हिंदी फिल्मों के हीरो करते हैं। इसमें एक्शन और डायलॉगबाजी के साथ लेक्चर देना भी शामिल है। उन्होंने बतौर एक्टर परफॉर्मर कुछ नया या अलग करने के बजाय ऐसे किरदार चुनने शुरू कर दिए हैं जो बस कहानी के नायक हो। बतौर एक्टर कंगना का कैलिबर सबको पता है मगर इस तरह की फिल्में और रोल्स उनके क्रॉप को प्रभावित कर रहे हैं। तेजस में कंगना ने तेजस गिल नाम के फाइटर पायलट का रोल किया है जो कि इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा है। अगर इसे कंगना की सबसे अटीपटी परफॉर्मेंस वाली फिल्म माना जाए तो इस बात से शिकायत नहीं होनी चाहिए। ये बेसिकली एक एरियल एक्शन फिल्म है मगर असल में टिक बॉक्स वाली फिल्म बनकर रह जाती है। जितना कुछ समाज और सोशल मीडिया पर चल रहा है हर वो टॉपिक कवर हो जाए। 26/11 अटैक से लेकर पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम फेमिनिज्म और हाइपर नेशनलिज्म, साथ में अयोध्या के राम मंदिर का कैमियो, इनमें से किसी विषय को लेकर फिल्म सीरियस नहीं है। ये सब एक वीडियो गेम की तरह लगता है। एक दुश्मन से निपट लिए अब दूसरे की बारी, बस यहाँ लेवल अप नहीं होता है। वीडियो गेम से फिल्म का एक सीन याद आया जिसे VFX की मदद से तैयार किया गया है। फिल्म के एक सीक्वेंस में जिसमें जेम्स बॉन्ड फिल्मों की तर्ज पर ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की गई है। पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर घटने वाले इस सीन को देखकर ऐसा लगता है कि जिस ग्लिच के साथ ये सीन पहली बार बना उसे वैसे ही फिल्म में रख लिया गया। उसका VFX रिफाइन या फाइन ट्यून करने की कोई कोशिश नहीं की गई। फिल्म में जितने भी हवाई जहाज वाले सीन्स हैं वो भी भरोसे लायक नहीं लगते। कुछ एक सीन्स में कंगना रनौत की आंखों में शूटिंग के दौरान सामने लगी लाइट रिफ्लेक्ट होती है जबकि इस सीन में वो आसमान में फाइटर पायलट उड़ा रही है। अभी पिछले दिनों हमने गणपत देखी थी। तेजस और गणपत में कॉम्पिटिशन हो सकता है कि किसका VFX ज्यादा खराब है। इंडिया ने एक बार फिर पाकिस्तान को उसकी जमीन पर जाकर हरा दिया। पाकिस्तान हिंदी सिनेमा में भोदू किरदार होकर गया। मुझे पर्सनली लगता नहीं कि पाकिस्तान लोग इतने भी बेवकूफ होते होंगे जितना वो हिंदी सिनेमा में होते हैं। तेजस से पहले कमोबेश इसी मसले पर एक फिल्म आई गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल। तुलना तो होगी मगर इस कंपैरिजन में तेजस गुंजन सक्सेना के आसपास भी नहीं पहुंच पाती क्योंकि गुंजन सक्सेना के मेकर्स को पता था कि वो फिल्म के साथ क्या करना चाहते हैं। तेजस के मेकर्स ने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया या शायद वो यही खिचड़ी बनाना चाहते थे। तेजस को सर्वेश मेवड़ा ने डायरेक्ट किया है। ये उनकी पहली फिल्म है मगर वो इस फिल्म को बनाते वक्त पूरे कंट्रोल में नहीं लगते। एक क्लाइमेक्स खत्म होता है तब तक दूसरा शुरू हो जाता है इसलिए मुझे फिल्म कभी कन्विंस ही नहीं कर पाती। फिल्म दर्शक के भीतर इमोशन पैदा करने के लिए सबसे दर्दनाक चीज का सहारा लेती है। बावजूद इसके आप कोई भाव महसूस नहीं कर पाते क्योंकि आपको लगता है कि ये आपकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल है। तेजस में इकलौती पॉजिटिव चीज मुझे लगी अंशुल चौहान। उन्होंने कंगना के जूनियर और साथी फाइटर पायलट आफिया का रोल किया है। यानी फिल्म में माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन भी है मगर ये आफिया फिल्म की कॉमिक रिलीफ है। एक सीन में आफिया का किरदार अपने सुपर सीनियर से बात करते हुए चिल्ला चिल्ला कर ये नया इंडिया है सर, वी विल किल इट सर टाइप की बातें करती है जो कि देखते वक्त बहुत वियर्ड लगता है और थोड़ा फनी भी। अंशुल को मैंने पहली बार शुभ मंगल सावधान में देखा था। इस फिल्म में उनका एक डायलॉग मुझे आज भी याद है, खुद की शक्ल चूजे वर्गी और लड़की चाहिए कैटरीना कैफ। तेजस में आप उनका काम इसलिए भी एंजॉय कर पाते हैं क्योंकि वो बहुत ह्यूमन कैरेक्टर है, उसमें गॉड कॉम्प्लेक्स नहीं है। प्लस उसे ये भी लगता है कि वो इस फिल्म की सपोर्टिंग कैरेक्टर है। धाकड़ के बाद तेजस कंगना रनौत की एक और निराशाजनक फिल्म साबित होती है। कम से कम धाकड़ में कंगना का काम अच्छा था मगर यहाँ तो आपको वो भी नसीब नहीं होता। तेजस कुछ भी नया ऑफर नहीं करती। आपने पिछले 4 फिल्मों में जो चीजें देखी बस ये फिल्म उसे समेट कर एक जगह ले आती है। इसमें थोड़ा सा कंगना रनौत मिला लीजिए, साथ में ढेर सारा ज्ञान और VFX की मदद से बने फर्जी लगने वाले
एरियल एक्शन सीक्वेंस बन गई तेजस, मगर तेजस कभी अपने होने को जस्टिफाई नहीं कर पाती। ना कहानी में दम न नयापन, कंगना रनौत की शानदार एक्टिंग भी नहीं बचा पाई फिल्म तेजस। जाने कहां देखे इसे फ्री में। कंगना रनौत ने फिल्म में तेजस गिल का किरदार निभाया है, जो कि एक IF पायलट है। फिल्म में देशभक्ति से भरे भाषण के साथ पाकिस्तान पर भी निशाना साधा गया है। इसकी कहानी पाकिस्तान में एक चौकी के अंदर रेस्क्यू अभियान के इर्द गिर्द है, जो कि विकी कौशल स्टारर उरी की याद दिलाती है। इस ऑपरेशन का उद्देश्य दुश्मन को मूर्ख बनाना, और इस दौरान फिल्म तनाव और उत्तेजना पैदा करने में सफल होती है। फिल्म का पहला भाग जल्दबाजी में लगता है, जैसे कोई आखिरी ट्रेन पकड़नी हो। दूसरे हिस्से में जाकर एक लय आती है। जब एक्शन सीन दिखाए जाते हैं तो क्लाइमैक्स में एरियल सीन अच्छा बन पड़ा है और बिना वजह शोरगुल पैदा नहीं करता है। तेजस गिल भारतीय वायुसेना में एक तेज तर्रार पायलट है, जो खतरों का सामना करती है। फिल्म पूरी तरह से तेजस के इर्द गिर्द है और सभी किरदार उसके आसपास घूमते हैं। वह कई बार सीनियर अधिकारियों के आदेश की परवाह नहीं करती और अपनी जान जोखिम में डालकर अन्य अधिकारियों को बचाती है। ऐसा लगता है कि वह फिल्म की मुख्य किरदार है तो कुछ भी कर सकती है, जिसमें असलियत में शायद कभी नहीं किया जा सकता। फिल्म में भारतीय वायुसेना का गौरवपूर्ण तरीके से दिखाया गया है। इसमें पायलटों के साहस और समर्पण पर जोर है। देशभक्ति को लेकर अलग तरह का उत्साह है, लेकिन कभी कभी यह अंध राष्ट्रवाद की हद तक भी पहुंच जाता है। शुक्रिया, ये केवल अपनी तारीफ में कही गई फिल्म नहीं है, बल्कि यह पायलटों की बहादुरी और प्रतिबद्धता का जश्न मनाने पर केंद्रित है। करीब 2 घंटे की यह फिल्म आतंकवाद के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करती है। रेस्क्यू ऑपरेशन को इस तरह से डिजाइन किया गया है जैसे लगता है दुश्मन मूर्ख है। फिल्म का साउंडट्रैक उपयुक्त है, लेकिन यह और जबरदस्त हो सकता था। एक्शन दृश्यों को दौरान तेज और भयानक संगीत कभी कभी कहानी से ज्यादा भटकता है। कंगना रनौत का काम शानदार और एक पायलट के रूप में वह जची है। उन्होंने कई बार वायुसेना और समाज में एक स्वतंत्र सोचने वाली और बहादुर महिला के रूप में खुद को साबित करना पड़ता है। अंशुल चौहान ने उसका बखूबी साथ दिया है। वही बात करें इसकी OTT रिलीज को लेकर, तो इसे OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Zee5 पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है। कंगना रनौत की फिल्म तेजस देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू। फिल्म की कहानी, कंगना रनौत की नई फिल्म आई है तेजस। कंगना ने इंडस्ट्री में जगह पक्की करने के बाद से तमाम विषयों पर अपनी राय रखी। जो गलत था उसके खिलाफ झंडा बुलंद किया, मसलन जेंडर इक्वलिटी, मगर अब वो खुद अपनी फिल्मों की हीरो होती है। हर वो चीज करना चाहती है जो हिंदी फिल्मों के हीरो करते हैं। इसमें एक्शन और डायलॉग बाजी के साथ लेक्चर देना भी शामिल है। उन्होंने बतौर एक्टर परफॉर्मर कुछ नया या अलग करने के बजाय ऐसे किरदार चुनने शुरू कर दिए हैं जो बस कहानी के नायक हो। बतौर एक्टर कंगना का कैलिबर सबको पता है, मगर इस तरह की फिल्में और रोल्स उनके क्राफ्ट को प्रभावित कर रहे हैं। तेजस में कंगना ने तेजस गिल नाम की फाइटर पायलट का रोल किया है, जो कि इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा है। अगर इसे कंगना की सबसे अटीपटी परफॉर्मेंस वाली फिल्म माना जाए तो इस बात से शिकायत नहीं होनी चाहिए। यह बेसिकली एक एरियल एक्शन फिल्म है, मगर असल में टिक बॉक्स वाली फिल्म बनकर रह जाती है। जितना कुछ समाज और सोशल मीडिया पर चल रहा है, हर वो टॉपिक कवर हो जाए। 26/11 अटैक से लेकर पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम फेमिनिज्म और हाइपर नेशनलिज्म, साथ में अयोध्या के राम मंदिर का कैमियो, इनमें से किसी विषय को लेकर फिल्म सीरियस नहीं है। ये सब एक वीडियो गेम की तरह लगता है। एक दुश्मन से निपट लिए, अब दूसरे की बारी, बस यहाँ लेवल अप नहीं होता है। वीडियो गेम से फिल्म का एक सीन याद आया, जिसे VFX की मदद से तैयार किया गया है। फिल्म के एक सीक्वेंस में जिसमें जेम्स बॉन्ड फिल्मों की तर्ज पर ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की गई है। पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर घटने वाले इस सीन को देखकर ऐसा लगता है कि जिस ग्लिच के साथ ये सीन पहली बार बना, उसे वैसे ही फिल्म में रख लिया गया। उसका VFX रिफाइन या फाइन ट्यून करने की कोई कोशिश नहीं की गई। फिल्म में जितने भी हवाई जहाज वाले सीन्स हैं, वो भी भरोसे लायक नहीं लगते। कुछ एक सीन्स में कंगना रनौत की आंखों में शूटिंग के दौरान सामने लगी लाइट रिफ्लेक्ट होती है, जबकि इस सीन में वो आसमान में फाइटर पायलट उड़ा रही है। अभी पिछले दिनों हमने गणपत देखी थी। तेजस और गणपत में कॉम्पिटिशन हो सकता है कि किसका VFX ज्यादा खराब है। इंडिया ने एक बार फिर पाकिस्तान को उसकी जमीन पर जाकर हरा दिया। पाकिस्तान हिंदी सिनेमा में भोदू किरदार होकर गया। मुझे पर्सनली लगता नहीं कि पाकिस्तान लोग इतने भी बेवकूफ होते होंगे जितना वो हिंदी सिनेमा में होते हैं। तेजस से पहले कमोबेश इसी मसले पर एक फिल्म आई, गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल। तुलना तो होगी, मगर इस कंपैरिजन में तेजस गुंजन सक्सेना के आसपास भी नहीं पहुंच पाती, क्योंकि गुंजन सक्सेना के मेकर्स को पता था कि वो फिल्म के साथ क्या करना चाहते है। तेजस के मेकर्स ने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया, या शायद वो यही खिचड़ी बनाना चाहते थे। तेजस को सर्वेश मेवड़ा ने डायरेक्ट किया है, ये उनकी पहली फिल्म है, मगर वो इस फिल्म को बनाते वक्त पूरे कंट्रोल में नहीं लगते। एक क्लाइमेक्स खत्म होता है, तब तक दूसरा शुरू हो जाता है।
इसलिए मुझे फिल्म कभी कन्विंस ही नहीं कर पाती। फिल्म दर्शक के भीतर इमोशन पैदा करने के लिए सबसे दर्दनाक चीज का सहारा लेती है, बावजूद इसके आप कोई भाव महसूस नहीं कर पाते क्योंकि आपको लगता है कि यह आपकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल है। तेजस में इकलौती पॉजिटिव चीज मुझे लगी अंशुल चौहान, उन्होंने कंगना के जूनियर और साथी फाइटर पायलट आफिया का रोल किया है, यानी फिल्म में माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन भी है, मगर यह आफिया फिल्म की कॉमिक रिलीफ है। एक सीन में आफिया का किरदार अपने सुपर सीनियर से बात करते हुए चिल्ला चिल्ला कर ये नया इंडिया है सर, वी विल किल इट सर टाइप की बातें करती है, जो कि देखते वक्त बहुत वियर्ड लगता है और थोड़ा फनी भी। अंशुल को मैंने पहली बार शुभ मंगल सावधान में देखा था। इस फिल्म में उनका एक डायलॉग मुझे आज भी याद है, खुद की शक्ल चूजे वर्गी और लड़की चाहिए कैटरीना कैफ। तेजस में आप उनका काम इसलिए भी एंजॉय कर पाते हैं क्योंकि वो बहुत ह्यूमन कैरेक्टर है, उसमें गॉड कॉम्प्लेक्स नहीं है, प्लस उसे ये भी लगता है कि वो इस फिल्म की सपोर्टिंग कैरेक्टर है। धाकड़ के बाद तेजस कंगना रनौत की एक और निराशाजनक फिल्म साबित होती है। कम से कम धाकड़ में कंगना का काम अच्छा था, मगर यहाँ तो आपको वो भी नसीब नहीं होता। तेजस कुछ भी नया ऑफर नहीं करती, आपने पिछले चार फिल्मों में जो चीजें देखी बस ये फिल्म उसे समेट कर एक जगह ले आती है। इसमें थोड़ा सा कंगना रनौत मिला लीजिए, साथ में ढेर सारा ज्ञान और VFX की मदद से बने फर्जी लगने वाले एरियल एक्शन सीक्वेंस बन गई तेजस, मगर तेजस कभी अपने होने को जस्टिफाई नहीं कर पाती। ना कहानी में दम ना नयापन, कंगना रनौत की शानदार एक्टिंग भी नहीं बचा पाई फिल्म तेजस। जाने कहां देखे इसे फ्री में। कंगना रनौत ने फिल्म में तेजस गिल का किरदार निभाया है, जो कि एक IAF पायलट है। फिल्म में देशभक्ति से भरे भाषण के साथ पाकिस्तान पर भी निशाना साधा गया है। इसकी कहानी पाकिस्तान में एक चौकी के अंदर रेस्क्यू अभियान के इर्द गिर्द है, जो कि विकी कौशल स्टारर उरी की याद दिलाती है। इस ऑपरेशन का उद्देश्य दुश्मन को मूर्ख बनाना, और इस दौरान फिल्म तनाव और उत्तेजना पैदा करने में सफल होती है। फिल्म का पहला भाग जल्दबाजी में लगता है, जैसे कोई आखिरी ट्रेन पकड़नी हो, दूसरे हिस्से में जाकर एक लय आती है। जब एक्शन सीन दिखाए जाते हैं तो क्लाइमैक्स में एरियल सीन अच्छा बन पड़ा है और बिना वजह शोरगुल पैदा नहीं करता है। तेजस गिल भारतीय वायुसेना में एक तेज तर्रार पायलट है, जो खतरों का सामना करती है। फिल्म पूरी तरह से तेजस के इर्द गिर्द है और सभी किरदार उसके आसपास घूमते हैं। वह कई बार सीनियर अधिकारियों के आदेश की परवाह नहीं करती और अपनी जान जोखिम में डालकर अन्य अधिकारियों को बचाती है। ऐसा लगता है कि वह फिल्म की मुख्य किरदार है तो कुछ भी कर सकती है, जिसमें असलियत में शायद कभी नहीं किया जा सकता। फिल्म में भारतीय वायुसेना का गौरवपूर्ण तरीके से दिखाया गया है। इसमें पायलटों के साहस और समर्पण पर जोर है, देशभक्ति को लेकर अलग तरह का उत्साह है, लेकिन कभी कभी यह अंध राष्ट्रवाद की हद तक भी पहुंच जाता है। शुक्रिया, ये केवल अपनी तारीफ में कही गई फिल्म नहीं है, बल्कि यह पायलटों की बहादुरी और प्रतिबद्धता का जश्न मनाने पर केंद्रित है। करीब 2 घंटे की यह फिल्म आतंकवाद के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करती है। रेस्क्यू ऑपरेशन को इस तरह से डिजाइन किया गया है जैसे लगता है दुश्मन मूर्ख है। फिल्म का साउंडट्रैक उपयुक्त है, लेकिन यह और जबरदस्त हो सकता था। एक्शन दृश्यों को दौरान तेज और भयानक संगीत कभी कभी कहानी से ज्यादा भटकता है। कंगना रनौत का काम शानदार और एक पायलट के रूप में वह जची है। उन्होंने कई बार वायुसेना और समाज में एक स्वतंत्र सोचने वाली और बहादुर महिला के रूप में खुद को साबित करना पड़ता है। अंशुल चौहान ने उसका बखूबी साथ दिया है। वही बात करें इसकी OTT रिलीज को लेकर, तो इसे OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Zee5 पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है। कंगना रनौत की फिल्म तेजस देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू। फिल्म की कहानी, कंगना रनौत की नई फिल्म आई है तेजस। कंगना ने इंडस्ट्री में जगह पक्की करने के बाद से तमाम विषयों पर अपनी राय रखी, जो गलत था उसके खिलाफ झंडा बुलंद किया, मसलन जेंडर इक्वलिटी, मगर अब वो खुद अपनी फिल्मों की हीरो होती है, हर वो चीज करना चाहती है जो हिंदी फिल्मों के हीरो करते हैं। इसमें एक्शन और डायलॉग बाजी के साथ लेक्चर देना भी शामिल है। उन्होंने बतौर एक्टर परफॉर्मर कुछ नया या अलग करने के बजाय ऐसे किरदार चुनने शुरू कर दिए हैं जो बस कहानी के नायक हो। बतौर एक्टर कंगना का कैलिबर सबको पता है, मगर इस तरह की फिल्में और रोल्स उनके क्रॉप को प्रभावित कर रहे हैं। तेजस में कंगना ने तेजस गिल नाम के फाइटर पायलट का रोल किया है, जो कि इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा है। अगर इसे कंगना की सबसे अटीपटी परफॉर्मेंस वाली फिल्म माना जाए तो इस बात से शिकायत नहीं होनी चाहिए। यह बेसिकली एक एरियल एक्शन फिल्म है, मगर असल में टिक बॉक्स वाली फिल्म बनकर रह जाती है। जितना कुछ समाज और सोशल मीडिया पर चल रहा है, हर वो टॉपिक कवर हो जाए। 26/11 अटैक से लेकर पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम फेमिनिज्म और हाइपर नेशनलिज्म, साथ में अयोध्या के राम मंदिर का कैमियो, इनमें से किसी विषय को लेकर फिल्म सीरियस नहीं है। ये सब एक वीडियो गेम की तरह लगता है। एक दुश्मन से निपट लिए, अब दूसरे की बारी, बस यहाँ लेवल अप नहीं होता है। वीडियो गेम से फिल्म का एक सीन याद आया, जिसे VFX की मदद से तैयार किया गया है। फिल्म के एक सीक्वेंस में जिसमें जेम्स बॉन्ड
फिल्मों की तर्ज पर ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की गई है। पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर घटने वाली सीन को देखकर ऐसा लगता है कि जिस ग्लिच के साथ ये सीन पहली बार बना उसे वैसे ही फिल्म में रख लिया गया। उसका वीएफएक्स रिफाइन या फाइन ट्यून करने की कोई कोशिश नहीं की गई। फिल्म में जितने भी हवाई जहाज वाले सीन्स हैं वो भी भरोसे लायक नहीं लगते। कुछ एक सीन्स में कंगना रनौत की आंखों में शूटिंग के दौरान सामने लगी लाइट रिफ्लेक्ट होती है, जबकि इस सीन में वो आसमान में फाइटर पायलट उड़ा रही है। अभी पिछले दिनों हमने गणपत देखी थी, तेजस और गणपत में कंपटीशन हो सकता है कि किसका वीएफएक्स ज्यादा खराब है। इंडिया ने एक बार फिर पाकिस्तान को उसकी जमीन पर जाकर हरा दिया। पाकिस्तान हिंदी सिनेमा में भोदू किरदार होकर गया। मुझे पर्सनली लगता नहीं कि पाकिस्तान लोग इतने भी बेवकूफ होते होंगे जितना वो हिंदी सिनेमा में होते हैं। तेजस से पहले कमोबेश इसी मसले पर एक फिल्म आई गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल, तुलना तो होगी मगर इस कंपैरिजन में तेजस गुंजन सक्सेना के आसपास भी नहीं पहुंच पाती, क्योंकि गुंजन सक्सेना के मेकर्स को पता था कि वो फिल्म के साथ क्या करना चाहते हैं। तेजस के मेकर्स ने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया या शायद वो यही खिचड़ी बनाना चाहते थे। तेजस को सर्वेश मेवड़ा ने डायरेक्ट किया है, ये उनकी पहली फिल्म है मगर वो इसी फिल्म को बनाते वक्त पूरे कंट्रोल में नहीं लगते। एक क्लाइमेक्स खत्म होता है तब तक दूसरा शुरू हो जाता है, इसलिए मुझे फिल्म कभी कन्विंस ही नहीं कर पाती। फिल्म दर्शक के भीतर इमोशन पैदा करने के लिए सबसे दर्दनाक चीज का सहारा लेती है, बावजूद इसके आप कोई भाव महसूस नहीं कर पाते क्योंकि आपको लगता है कि ये आपकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल है। तेजस में इकलौती पॉजिटिव चीज मुझे लगी अंशुल चौहान, उन्होंने कंगना के जूनियर और साथी फाइटर पायलट आफिया का रोल किया है, यानी फिल्म में माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन भी है मगर ये आफिया फिल्म की कॉमिक रिलीफ है। एक सीन में आफिया का किरदार अपने सुपर सीनियर से बात करते हुए चिल्ला चिल्ला कर ये नया इंडिया है सर, वी विल किल इट सर टाइप की बातें करती है, जो कि देखते वक्त बहुत वियर्ड लगता है और थोड़ा फनी भी। अंशुल को मैंने पहली बार शुभ मंगल सावधान में देखा था। इस फिल्म में उनका एक डायलॉग मुझे आज भी याद है, खुद की शक्ल चूजे वर्गी और लड़की चाहिए कैटरीना कैफ। तेजस में आप उनका काम इसलिए भी एंजॉय कर पाते हैं क्योंकि वो बहुत ह्यूमन कैरेक्टर है, उसमें गॉड कॉम्प्लेक्स नहीं है, प्लस उसे ये भी लगता है कि वो इस फिल्म की सपोर्टिंग कैरेक्टर है। धाकड़ के बाद तेजस कंगना रनौत की एक और निराशाजनक फिल्म साबित होती है। कम से कम धाकड़ में कंगना का काम अच्छा था मगर यहाँ तो आपको वो भी नसीब नहीं होता। तेजस कुछ भी नया ऑफर नहीं करती। आपने पिछले चार फिल्मों में जो चीजें देखी बस ये फिल्म उसे समेट कर एक जगह ले आती है। इसमें थोड़ा सा कंगना रनौत मिला लीजिए, साथ में ढेर सारा ज्ञान और वीएफएक्स की मदद से बने फर्जी लगने वाले एरियल एक्शन सीक्वेंस बन गई तेजस, मगर तेजस कभी अपने होने को जस्टिफाई नहीं कर पाती। न कहानी में दम न नयापन, कंगना रनौत की शानदार एक्टिंग भी नहीं बचा पाई फिल्म तेजस। जाने कहां देखे इसे फ्री में। कंगना रनौत ने फिल्म में तेजस गिल का किरदार निभाया है जो कि एक IAF पायलट है। फिल्म में देशभक्ति से भरे भाषण के साथ पाकिस्तान पर भी निशाना साधा गया है। इसकी कहानी पाकिस्तान में एक चौकी के अंदर रेस्क्यू अभियान के इर्द गिर्द है जो कि विकी कौशल स्टारर उरी की याद दिलाती है। इस ऑपरेशन का उद्देश्य दुश्मन को मूर्ख बनाना और इस दौरान फिल्म तनाव और उत्तेजना पैदा करने में सफल होती है। फिल्म का पहला भाग जल्दबाजी में लगता है जैसे कोई आखिरी ट्रेन पकड़नी हो, दूसरे हिस्से में जाकर एक लय आती है। जब एक्शन सीन दिखाए जाते हैं तो क्लाइमैक्स में एरियल सीन अच्छा बन पड़ा है और बिना वजह शोरगुल पैदा नहीं करता है। तेजस गिल भारतीय वायुसेना में एक तेज तर्रार पायलट है जो खतरों का सामना करती है। फिल्म पूरी तरह से तेजस के इर्द गिर्द है और सभी किरदार उसके आसपास घूमते हैं। वह कई बार सीनियर अधिकारियों के आदेश की परवाह नहीं करती और अपनी जान जोखिम में डालकर अन्य अधिकारियों को बचाती है। ऐसा लगता है कि वह फिल्म की मुख्य किरदार है तो कुछ भी कर सकती है, जिसमें असलियत में शायद कभी नहीं किया जा सकता। फिल्म में भारतीय वायुसेना का गौरवपूर्ण तरीके से दिखाया गया है। इसमें पायलटों के साहस और समर्पण पर जोर है, देशभक्ति को लेकर अलग तरह का उत्साह है, लेकिन कभी कभी यह अंध राष्ट्रवाद की हद तक भी पहुंच जाता है। शुक्रिया, यह केवल अपनी तारीफ में कही गई फिल्म नहीं है बल्कि यह पायलटों की बहादुरी और प्रतिबद्धता का जश्न मनाने पर केंद्रित है। करीब 2 घंटे की यह फिल्म आतंकवाद के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करती है। रेस्क्यू ऑपरेशन को इस तरह से डिजाइन किया गया है जैसे लगता है दुश्मन मूर्ख है। फिल्म का साउंडट्रैक उपयुक्त है लेकिन यह और जबरदस्त हो सकता था। एक्शन दृश्यों को दौरान तेज और भयानक संगीत कभी कभी कहानी से ज्यादा भटकता है। कंगना रनौत का काम शानदार और एक पायलट के रूप में वह जची है। उन्होंने कई बार वायुसेना और समाज में एक स्वतंत्र सोचने वाली और बहादुर महिला के रूप में खुद को साबित करना पड़ता है। अंशुल चौहान ने उसका बखूबी साथ दिया है। वही बात करें इसकी OTT रिलीज को लेकर तो इसे OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Zee5 पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है।
कंगना रनौत की फिल्म तेजस देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू, फिल्म की कहानी। कंगना रनौत की नई फिल्म आई है तेजस। कंगना ने इंडस्ट्री में जगह पक्की करने के बाद से तमाम विषयों पर अपनी राय रखी। जो गलत था उसके खिलाफ झंडा बुलंद किया, मसलन जेंडर इक्वलिटी, मगर अब वो खुद अपनी फिल्मों की हीरो होती है। हर वो चीज करना चाहती है जो हिंदी फिल्मों के हीरो करते हैं। इसमें एक्शन और डायलॉग बाजी के साथ लेक्चर देना भी शामिल है। उन्होंने बतौर एक्टर परफॉर्मर कुछ नया या अलग करने के बजाय ऐसे किरदार चुनने शुरू कर दिए हैं जो बस कहानी के नायक हो। बतौर एक्टर कंगना का कैलिबर सबको पता है, मगर इस तरह की फिल्में और रोल्स उनके क्रॉप को प्रभावित कर रहे हैं। तेजस में कंगना ने तेजस गिल नाम के फाइटर पायलट का रोल किया है जो कि इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा है। अगर इसे कंगना की सबसे अटीपटी परफॉर्मेंस वाली फिल्म माना जाए तो इस बात से शिकायत नहीं होनी चाहिए। ये बेसिकली एक एरियल एक्शन फिल्म है, मगर असल में टिक बॉक्स वाली फिल्म बनकर रह जाती है। जितना कुछ समाज और सोशल मीडिया पर चल रहा है हर वो टॉपिक कवर हो जाए। 26/11 अटैक से लेकर पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम फेमिनिज्म और हाइपर नेशनलिज्म, साथ में अयोध्या के राम मंदिर का कैमियो, इनमें से किसी विषय को लेकर फिल्म सीरियस नहीं है। ये सब एक वीडियो गेम की तरह लगता है। एक दुश्मन से निपट लिए अब दूसरे की बारी, बस यहाँ लेवल अप नहीं होता है। वीडियो गेम से फिल्म का एक सीन याद आया जिसे VFX की मदद से तैयार किया गया है। फिल्म के एक सीक्वेंस में जिसमें जेम्स बॉन्ड फिल्मों की तर्ज पर ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की गई है। पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर घटने वाले इस सीन को देखकर ऐसा लगता है कि जिस ग्लिच के साथ ये सीन पहली बार बना उसे वैसे ही फिल्म में रख लिया गया। उसका VFX रिफाइन या फाइन ट्यून करने की कोई कोशिश नहीं की गई। फिल्म में जितने भी हवाई जहाज वाले सीन्स है वो भी भरोसे लायक नहीं लगते। कुछ एक सीन्स में कंगना रनौत की आंखों में शूटिंग के दौरान सामने लगी लाइट रिफ्लेक्ट होती है, जबकि इस सीन में वो आसमान में फाइटर पायलट उड़ा रही है। अभी पिछले दिनों हमने गणपत देखी थी। तेजस और गणपत में कंपटीशन हो सकता है कि किसका VFX ज्यादा खराब है। इंडिया ने एक बार फिर पाकिस्तान को उसकी जमीन पर जाकर हरा दिया। पाकिस्तान हिंदी सिनेमा में भोदू किरदार होकर गया। मुझे पर्सनली लगता नहीं कि पाकिस्तान लोग इतने भी बेवकूफ होते होंगे जितना वो हिंदी सिनेमा में होते हैं। तेजस से पहले कमोबेश इसी मसले पर एक फिल्म आई गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल, तुलना तो होगी मगर इस कंपैरिजन में तेजस गुंजन सक्सेना के आसपास भी नहीं पहुंच पाती, क्योंकि गुंजन सक्सेना के मेकर्स को पता था कि वो फिल्म के साथ क्या करना चाहते हैं। तेजस के मेकर्स ने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया या शायद वो यही खिचड़ी बनाना चाहते थे। तेजस को सर्वेश मेवड़ा ने डायरेक्ट किया है, ये उनकी पहली फिल्म है, मगर वो इसी फिल्म को बनाते वक्त पूरे कंट्रोल में नहीं लगते। एक क्लाइमेक्स खत्म होता है तब तक दूसरा शुरू हो जाता है, इसलिए मुझे फिल्म कभी कन्विंस ही नहीं कर पाती। फिल्म दर्शकों के भीतर इमोशन पैदा करने के लिए सबसे दर्दनाक चीज का सहारा लेती है, बावजूद इसके आप कोई भाव महसूस नहीं कर पाते क्योंकि आपको लगता है कि ये आपकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल है। तेजस में इकलौती पॉजिटिव चीज मुझे लगी अंशुल चौहान। उन्होंने कंगना के जूनियर और साथी फाइटर पायलट आफिया का रोल किया है, यानी फिल्म में माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन भी है, मगर ये आफिया फिल्म की कॉमिक रिलीफ है। एक सीन में आफिया का किरदार अपने सुपर सीनियर से बात करते हुए चिल्ला चिल्ला कर ये नया इंडिया है सर, वी विल किल इट सर टाइप की बातें करती है, जो कि देखते वक्त बहुत वियर्ड लगता है और थोड़ा फनी भी। अंशुल को मैंने पहली बार शुभ मंगल सावधान में देखा था। इस फिल्म में उनका एक डायलॉग मुझे आज भी याद है, खुद की शक्ल चूजे वर्गी और लड़की चाहिए कैटरीना कैफ। तेजस में आप उनका काम इसलिए भी एंजॉय कर पाते हैं क्योंकि वो बहुत ह्यूमन कैरेक्टर है, उसमें गॉड कॉम्प्लेक्स नहीं है, प्लस उसे ये भी लगता है कि वो इस फिल्म की सपोर्टिंग कैरेक्टर है। धाकड़ के बाद तेजस कंगना रनौत की एक और निराशाजनक फिल्म साबित होती है। कम से कम धाकड़ में कंगना का काम अच्छा था, मगर यहाँ तो आपको वो भी नसीब नहीं होता। तेजस कुछ भी नया ऑफर नहीं करती। आपने पिछले 4 फिल्मों में जो चीजें देखी बस ये फिल्म उसे समेट कर एक जगह ले आती है। इसमें थोड़ा सा कंगना रनौत मिला लीजिए, साथ में ढेर सारा ज्ञान और VFX की मदद से बने फर्जी लगने वाले एरियल एक्शन सीक्वेंस, बन गई तेजस, मगर तेजस कभी अपने होने को जस्टिफाई नहीं कर पाती। न कहानी में दम न नयापन, कंगना रनौत की शानदार एक्टिंग भी नहीं बचा पाई फिल्म तेजस। जाने कहां देखे इसे फ्री में। कंगना रनौत ने फिल्म में तेजस गिल का किरदार निभाया है जो कि एक IF पायलट है। फिल्म में देशभक्ति से भरे भाषण के साथ पाकिस्तान पर भी निशाना साधा गया है। इसकी कहानी पाकिस्तान में एक चौकी के अंदर रेस्क्यू अभियान के इर्द गिर्द है जो कि विकी कौशल स्टारर उरी की याद दिलाती है। इस ऑपरेशन का उद्देश्य दुश्मन को मूर्ख बनाना और इस दौरान फिल्म तनाव और उत्तेजना पैदा करने में सफल होती है। फिल्म का पहला भाग जल्दबाजी में लगता है जैसे कोई आखिरी ट्रेन पकड़नी हो, दूसरे हिस्से में जाकर एक लय आती है। जब एक्शन सीन दिखाए जाते हैं तो क्लाइमेक्स में एरियल सीन अच्छा बन पड़ा है और बिना वजह
शोरगुल पैदा नहीं करता है। तेजस गिल भारतीय वायुसेना में एक तेज तर्रार पायलट है जो खतरों का सामना करती है। फिल्म पूरी तरह से तेजस के इर्द गिर्द है और सभी किरदार उसके आसपास घूमते हैं। वह कई बार सीनियर अधिकारियों के आदेश की परवाह नहीं करती और अपनी जान जोखिम में डालकर अन्य अधिकारियों को बचाती है। ऐसा लगता है कि वह फिल्म की मुख्य किरदार है तो कुछ भी कर सकती है, जिसमें असलियत में शायद कभी नहीं किया जा सकता। फिल्म में भारतीय वायुसेना का गौरवपूर्ण तरीके से दिखाया गया है। इसमें पायलटों के साहस और समर्पण पर जोर है। देशभक्ति को लेकर अलग तरह का उत्साह है, लेकिन कभी कभी यह अंध राष्ट्रवाद की हद तक भी पहुंच जाता है। शुक्रिया यह केवल अपनी तारीफ में कही गई फिल्म नहीं है, बल्कि यह पायलटों की बहादुरी और प्रतिबद्धता का जश्न मनाने पर केंद्रित है। करीब 2 घंटे की यह फिल्म आतंकवाद के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करती है। रेस्क्यू ऑपरेशन को इस तरह से डिजाइन किया गया है जैसे लगता है दुश्मन मुल्क है। फिल्म का साउंड ट्रैक उपयुक्त है, लेकिन यह और जबरदस्त हो सकता था। एक्शन दृश्यों को दौरान तेज और भयानक संगीत कभी कभी कहानी से ज्यादा भटकता है। कंगना रनौत का काम शानदार और एक पायलट के रूप में वह जची है। उन्होंने कई बार वायुसेना और समाज में एक स्वतंत्र सोचने वाली और बहादुर महिला के रूप में खुद को साबित करना पड़ता है। अंशुल चौहान ने उसका बखूबी साथ दिया है। वही बात करें इसकी OTT रिलीज को लेकर, तो इसे OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Zee5 पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है। कंगना रनौत की फिल्म तेजस देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू, फिल्म की कहानी। कंगना रनौत की नई फिल्म आई है तेजस। कंगना ने इंडस्ट्री में जगह पक्की करने के बाद से तमाम विषयों पर अपनी राय रखी। जो गलत था उसके खिलाफ झंडा बुलंद किया, मसलन जेंडर इक्वलिटी, मगर अब वो खुद अपनी फिल्मों की हीरो होती है। हर वो चीज करना चाहती है जो हिंदी फिल्मों के हीरो करते हैं। इसमें एक्शन और डायलॉग बाजी के साथ लेक्चर देना भी शामिल है। उन्होंने बतौर एक्टर परफॉर्मर कुछ नया या अलग करने के बजाय ऐसे किरदार चुनने शुरू कर दिए हैं जो बस कहानी के नायक हो। बतौर एक्टर कंगना का कैलिबर सबको पता है, मगर इस तरह की फिल्में और रोल्स उनके क्रॉप को प्रभावित कर रहे हैं। तेजस में कंगना ने तेजस गिल नाम के फाइटर पायलट का रोल किया है जो कि इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा है। अगर इसे कंगना की सबसे अटीपटी परफॉर्मेंस वाली फिल्म माना जाए तो इस बात से शिकायत नहीं होनी चाहिए। ये बेसिकली एक एरियल एक्शन फिल्म है, मगर असल में टिक बॉक्स वाली फिल्म बनकर रह जाती है। जितना कुछ समाज और सोशल मीडिया पर चल रहा है हर वो टॉपिक कवर हो जाए। 26/11 अटैक से लेकर पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम फेमिनिज्म और हाइपर नेशनलिज्म, साथ में अयोध्या के राम मंदिर का कैमियो, इनमें से किसी विषय को लेकर फिल्म सीरियस नहीं है। ये सब एक वीडियो गेम की तरह लगता है। एक दुश्मन से निपट लिए, अब दूसरे की बारी, बस यहाँ लेवल अप नहीं होता है। वीडियो गेम से फिल्म का एक सीन याद आया जिसे VFX की मदद से तैयार किया गया है। फिल्म के एक सीक्वेंस में जिसमें जेम्स बॉन्ड फिल्मों की तर्ज पर ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की गई है। पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर घटने वाले इस सीन को देखकर ऐसा लगता है कि जिस ग्लिच के साथ ये सीन पहली बार बना उसे वैसे ही फिल्म में रख लिया गया। उसका VFX रिफाइन या फाइन ट्यून करने की कोई कोशिश नहीं की गई। फिल्म में जितने भी हवाई जहाज वाले सीन्स हैं, वो भी भरोसे लायक नहीं लगते। कुछ एक सीन्स में कंगना रनौत की आंखों में शूटिंग के दौरान सामने लगी लाइट रिफ्लेक्ट होती है, जबकि इस सीन में वो आसमान में फाइटर पायलट उड़ा रही है। अभी पिछले दिनों हमने गणपत देखी थी। तेजस और गणपत में कॉम्पिटिशन हो सकता है कि किसका VFX ज्यादा खराब है। इंडिया ने एक बार फिर पाकिस्तान को उसकी जमीन पर जाकर हरा दिया। पाकिस्तान हिंदी सिनेमा में भोदू किरदार होकर गया। मुझे पर्सनली लगता नहीं कि पाकिस्तान लोग इतने भी बेवकूफ होते होंगे जितना वो हिंदी सिनेमा में होते हैं। तेजस से पहले कमोबेश इसी मसले पर एक फिल्म आई गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल, तुलना तो होगी मगर इस कंपैरिजन में तेजस गुंजन सक्सेना के आसपास भी नहीं पहुंच पाती, क्योंकि गुंजन सक्सेना के मेकर्स को पता था कि वो फिल्म के साथ क्या करना चाहते है। तेजस के मेकर्स ने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया या शायद वो यही खिचड़ी बनाना चाहते थे। तेजस को सर्वेश मेवड़ा ने डायरेक्ट किया है, ये उनकी पहली फिल्म है, मगर वो इसी फिल्म को बनाते वक्त पूरे कंट्रोल में नहीं लगते। एक क्लाइमेक्स खत्म होता है तब तक दूसरा शुरू हो जाता है, इसलिए मुझे फिल्म कभी कन्विंसिंग नहीं कर पाती। फिल्म दर्शकों के भीतर इमोशन पैदा करने के लिए सबसे दर्दनाक चीज का सहारा लेती है, बावजूद इसके आप कोई भाव महसूस नहीं कर पाते क्योंकि आपको लगता है कि ये आपकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल है। तेजस में इकलौती पॉजिटिव चीज मुझे लगी अंशुल चौहान। उन्होंने कंगना के जूनियर और साथी फाइटर पायलट आफिया का रोल किया है, यानी फिल्म में माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन भी है, मगर यह आफिया फिल्म की कॉमिक रिलीफ है। एक सीन में आफिया का किरदार अपने सुपर सीनियर से बात करते हुए चिल्ला चिल्ला कर ये नया इंडिया है सर, वी विल किल इट सर टाइप की बातें करती है,
जो कि देखते वक्त बहुत वियर्ड लगता है और थोड़ा फनी भी। अंशुल को मैंने पहली बार शुभ मंगल सावधान में देखा था। इस फिल्म में उनका एक डायलॉग मुझे आज भी याद है, खुद की शक्ल चूजे वर्गी और लड़की चाहिए कैटरीना कैफ। तेजस में आप उनका काम इसलिए भी एंजॉय कर पाते हैं क्योंकि वो बहुत ह्यूमन कैरेक्टर है, उसमें गॉड कॉम्प्लेक्स नहीं है। प्लस उसे ये भी लगता है कि वो इस फिल्म की सपोर्टिंग कैरेक्टर है। धाकड़ के बाद तेजस कंगना रनौत की एक और निराशाजनक फिल्म साबित होती है। कम से कम धाकड़ में कंगना का काम अच्छा था, मगर यहाँ तो आपको वो भी नसीब नहीं होता। तेजस कुछ भी नया ऑफर नहीं करती। आपने पिछले 4 फिल्मों में जो चीजें देखी बस ये फिल्म उसे समेट कर एक जगह ले आती है। इसमें थोड़ा सा कंगना रनौत मिला लीजिए, साथ में ढेर सारा ज्ञान और VFX की मदद से बने फर्जी लगने वाले एरियल एक्शन सीक्वेंस बन गई तेजस, मगर तेजस कभी अपने होने को जस्टिफाई नहीं कर पाती। ना कहानी में दम ना नयापन, कंगना रनौत की शानदार एक्टिंग भी नहीं बचा पाई फिल्म तेजस। जाने कहां देखे इसे फ्री में। कंगना रनौत ने फिल्म में तेजस गिल का किरदार निभाया है जो कि एक IF पायलट है। फिल्म में देशभक्ति से भरे भाषण के साथ पाकिस्तान पर भी निशाना साधा गया है। इसकी कहानी पाकिस्तान में एक चौकी के अंदर रेस्क्यू अभियान के इर्द गिर्द है जो कि विकी कौशल स्टारर उरी की याद दिलाती है। इस ऑपरेशन का उद्देश्य दुश्मन को मूर्ख बनाना और इस दौरान फिल्म तनाव और उत्तेजना पैदा करने में सफल होती है। फिल्म का पहला भाग जल्दबाजी में लगता है जैसे कोई आखिरी ट्रेन पकड़नी हो, दूसरे हिस्से में जाकर एक लय आती है। जब एक्शन सीन दिखाए जाते हैं तो क्लाइमैक्स में एडिट सीन अच्छा बन पड़ा है और बिना वजह शोरगुल पैदा नहीं करता है। तेजस गिल भारतीय वायुसेना में एक तेज तर्रार पायलट है जो खतरों का सामना करती है। फिल्म पूरी तरह से तेजस के इर्द गिर्द है और सभी किरदार उसके आसपास घूमते हैं। वह कई बार सीनियर अधिकारियों के आदेश की परवाह नहीं करती और अपनी जान जोखिम में डालकर अन्य अधिकारियों को बचाती है। ऐसा लगता है कि वह फिल्म की मुख्य किरदार है तो कुछ भी कर सकती है, जिसमें असलियत में शायद कभी नहीं किया जा सकता। फिल्म में भारतीय वायुसेना का गौरवपूर्ण तरीके से दिखाया गया है। इसमें पायलटों के साहस और समर्पण पर जोर है, देशभक्ति को लेकर अलग तरह का उत्साह है, लेकिन कभी कभी यह अंध राष्ट्रवाद की हद तक भी पहुंच जाता है। शुक्रिया, ये केवल अपनी तारीफ में कही गई फिल्म नहीं है बल्कि यह पायलटों की बहादुरी और प्रतिबद्धता का जश्न मनाने पर केंद्रित है। करीब 2 घंटे की यह फिल्म आतंकवाद के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करती है। रेस्क्यू ऑपरेशन को इस तरह से डिजाइन किया गया है जैसे लगता है दुश्मन मूर्ख है। फिल्म का साउंडट्रैक उपयुक्त है लेकिन यह और जबरदस्त हो सकता था। एक्शन दृश्यों को दौरान तेज और भयानक संगीत कभी कभी कहानी से ज्यादा भटकता है। कंगना रनौत का काम शानदार और एक पायलट के रूप में वह जची है। उन्होंने कई बार वायुसेना और समाज में एक स्वतंत्र सोचने वाली और बहादुर महिला के रूप में खुद को साबित करना पड़ता है। अंशुल चौहान ने उसका बखूबी साथ दिया है। वही बात करें इसकी OTT रिलीज को लेकर तो इसे OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Zee5 पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है। कंगना रनौत की फिल्म तेजस देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू। फिल्म की कहानी, कंगना रनौत की नई फिल्म आई है तेजस। कंगना ने इंडस्ट्री में जगह पक्की करने के बाद से तमाम विषयों पर अपनी राय रखी, जो गलत था उसके खिलाफ झंडा बुलंद किया, मसलन जेंडर इक्वलिटी, मगर अब वो खुद अपनी फिल्मों की हीरो होती है। हर वो चीज करना चाहती है जो हिंदी फिल्मों के हीरो करते हैं। इसमें एक्शन और डायलॉगबाजी के साथ लेक्चर देना भी शामिल है। उन्होंने बतौर एक्टर परफॉर्मर कुछ नया या अलग करने के बजाय ऐसे किरदार चुनने शुरू कर दिए हैं जो बस कहानी के नायक हो। बतौर एक्टर कंगना का कैलिबर सबको पता है, मगर इस तरह की फिल्में और रोल्स उनके क्रॉप को प्रभावित कर रहे हैं। तेजस में कंगना ने तेजस गिल नाम के फाइटर पायलट का रोल किया है जो कि इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा है। अगर इसे कंगना की सबसे अटीपटी परफॉर्मेंस वाली फिल्म माना जाए तो इस बात से शिकायत नहीं होनी चाहिए। ये बेसिकली एक एरियल एक्शन फिल्म है, मगर असल में टिक बॉक्स वाली फिल्म बनकर रह जाती है। जितना कुछ समाज और सोशल मीडिया पर चल रहा है हर वो टॉपिक कवर हो जाए। 26/11 अटैक से लेकर पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम फेमिनिज्म और हाइपर नेशनलिज्म, साथ में अयोध्या के राम मंदिर का कैमियो, इनमें से किसी विषय को लेकर फिल्म सीरियस नहीं है। ये सब एक वीडियो गेम की तरह लगता है। एक दुश्मन से निपट लिए, अब दूसरे की बारी, बस यहाँ लेवल अप नहीं होता है। वीडियो गेम से फिल्म का एक सीन याद आया जिसे VFX की मदद से तैयार किया गया है। फिल्म के एक सीक्वेंस में जिसमें जेम्स बॉन्ड फिल्मों की तर्ज पर ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की गई है। पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर घटने वाले इस सीन को देखकर ऐसा लगता है कि जिस ग्लिच के साथ ये सीन पहली बार बना उसे वैसे ही फिल्म में रख लिया गया। उसका VFX रिफाइन या फाइन ट्यून करने की कोई कोशिश नहीं की गई। फिल्म में जितने भी हवाई जहाज वाले सीन्स हैं, वो भी भरोसे लायक नहीं लगते। कुछ एक सीन्स में कंगना रनौत की आंखों में शूटिंग के दौरान सामने लगी लाइट रिफ्लेक्ट होती है, जबकि इस सीन में वो आसमान में फाइटर पायलट उड़ा रही है। अभी पिछले दिनों हमने गणपत देखी थी,
तेजस और गणपत में कंपटीशन हो सकता है कि किसका वीएफएक्स ज्यादा खराब है। इंडिया ने एक बार फिर पाकिस्तान को उसके जमीन पर जाकर हरा दिया। पाकिस्तान हिंदी सिनेमा में भोदू किरदार होकर गया। मुझे पर्सनली लगता नहीं कि पाकिस्तान लोग इतने भी बेवकूफ होते होंगे जितना वो हिंदी सिनेमा में होते हैं। तेजस से पहले कमोबेश इसी मसले पर एक फिल्म आई गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल, तुलना तो होगी मगर इस कंपैरिजन में तेजस गुंजन सक्सेना के आसपास भी नहीं पहुंच पाती, क्योंकि गुंजन सक्सेना के मेकर्स को पता था कि वो फिल्म के साथ क्या करना चाहते हैं। तेजस के मेकर्स ने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया या शायद वो यही खिचड़ी बनाना चाहते थे। तेजस को सर्वेश मेवड़ा ने डायरेक्ट किया है, ये उनकी पहली फिल्म है मगर वो इस फिल्म को बनाते वक्त पूरे कंट्रोल में नहीं लगते। एक क्लाइमेक्स खत्म होता है तब तक दूसरा शुरू हो जाता है, इसलिए मुझे फिल्म कभी कन्विंसिंग नहीं कर पाती। फिल्म दर्शक के भीतर इमोशन पैदा करने के लिए सबसे दर्दनाक चीज का सहारा लेती है, बावजूद इसके आप कोई भाव महसूस नहीं कर पाते क्योंकि आपको लगता है कि यह आपकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल है। तेजस में इकलौती पॉजिटिव चीज मुझे लगी अंशुल चौहान, उन्होंने कंगना के जूनियर और साथी फाइटर पायलट आफिया का रोल किया है, यानी फिल्म में माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन भी है मगर यह आफिया फिल्म की कॉमिक रिलीफ है। एक सीन में आफिया का किरदार अपने सुपर सीनियर से बात करते हुए चिल्ला चिल्ला कर ये नया इंडिया है सर, वी विल किल इट सर टाइप की बातें करती है जो कि देखते वक्त बहुत वियर्ड लगता है और थोड़ा फनी भी। अंशुल को मैंने पहली बार शुभ मंगल सावधान में देखा था। इस फिल्म में उनका एक डायलॉग मुझे आज भी याद है, खुद की शक्ल चूजे वर्गी और लड़की चाहिए कैटरीना कैफ। तेजस में आप उनका काम इसलिए भी एंजॉय कर पाते हैं क्योंकि वो बहुत ह्यूमन कैरेक्टर है, उसमें गॉड कॉम्प्लेक्स नहीं है, प्लस उसे ये भी लगता है कि वो इस फिल्म की सपोर्टिंग कैरेक्टर है। धाकड़ के बाद तेजस कंगना रनौत की एक और निराशाजनक फिल्म साबित होती है। कम से कम धाकड़ में कंगना का काम अच्छा था मगर यहाँ तो आपको वो भी नसीब नहीं होता। तेजस कुछ भी नया ऑफर नहीं करती, आपने पिछले चार फिल्मों में जो चीजें देखी बस ये फिल्म उसे समेट कर एक जगह ले आती है। इसमें थोड़ा सा कंगना रनौत मिला लीजिए, साथ में ढेर सारा ज्ञान और वीएफएक्स की मदद से बने फर्जी लगने वाले एरियल एक्शन सीक्वेंस बन गई तेजस, मगर तेजस कभी अपने होने को जस्टिफाई नहीं कर पाती। ना कहानी में दम ना नयापन, कंगना रनौत की शानदार एक्टिंग भी नहीं बचा पाई फिल्म तेजस। जाने कहां देखे इसे फ्री में। कंगना रनौत ने फिल्म में तेजस गिल का किरदार निभाया है जो कि एक IAF पायलट है। फिल्म में देशभक्ति से भरे भाषण के साथ पाकिस्तान पर भी निशाना साधा गया है। इसकी कहानी पाकिस्तान में एक चौकी के अंदर रेस्क्यू अभियान के इर्द गिर्द है जो कि विकी कौशल स्टारर उरी की याद दिलाती है। इस ऑपरेशन का उद्देश्य दुश्मन को मूर्ख बनाना और इस दौरान फिल्म तनाव और उत्तेजना पैदा करने में सफल होती है। फिल्म का पहला भाग जल्दबाजी में लगता है जैसे कोई आखिरी ट्रेन पकड़नी हो, दूसरे हिस्से में जाकर एक लय आती है। जब एक्शन सीन दिखाए जाते हैं तो क्लाइमैक्स में एडल्ट सीन अच्छा बन पड़ा है और बिना वजह शोरगुल पैदा नहीं करता है। तेजस गिल भारतीय वायुसेना में एक तेज तर्रार पायलट है जो खतरों का सामना करती है। फिल्म पूरी तरह से तेजस के इर्द गिर्द है और सभी किरदार उसके आसपास घूमते हैं। वह कई बार सीनियर अधिकारियों के आदेश की परवाह नहीं करती और अपनी जान जोखिम में डालकर अन्य अधिकारियों को बचाती है। ऐसा लगता है कि वह फिल्म की मुख्य किरदार है तो कुछ भी कर सकते हैं, जिसमें असलियत में शायद कभी नहीं किया जा सकता। फिल्म में भारतीय वायुसेना का गौरवपूर्ण तरीके से दिखाया गया है। इसमें पायलटों के साहस और समर्पण पर जोर है, देशभक्ति को लेकर अलग तरह का उत्साह है, लेकिन कभी कभी यह अंध राष्ट्रवाद की हद तक भी पहुंच जाता है। शुक्रिया, ये केवल अपनी तारीफ में कही गई फिल्म नहीं है बल्कि यह पायलटों की बहादुरी और प्रतिबद्धता का जश्न मनाने पर केंद्रित है। करीब 2 घंटे की यह फिल्म आतंकवाद के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करती है। रेस्क्यू ऑपरेशन को इस तरह से डिजाइन किया गया है जैसे लगता है दुश्मन मूर्ख है। फिल्म का साउंडट्रैक उपयुक्त है लेकिन यह और जबरदस्त हो सकता था। एक्शन दृश्यों को दौरान तेज और भयानक संगीत कभी कभी कहानी से ज्यादा भटकता है। कंगना रनौत का काम शानदार और एक पायलट के रूप में वह जची है। उन्होंने कई बार वायुसेना और समाज में एक स्वतंत्र सोचने वाली और बहादुर महिला के रूप में खुद को साबित करना पड़ता है। अंशुल चौहान ने उसका बखूबी साथ दिया है। वही बात करें इसकी OTT रिलीज को लेकर तो इसे OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Zee5 पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है। कंगना रनौत की फिल्म तेजस देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू। फिल्म की कहानी, कंगना रनौत की नई फिल्म आई है तेजस। कंगना ने इंडस्ट्री में जगह पक्की करने के बाद से तमाम विषयों पर अपनी राय रखी, जो गलत था उसके खिलाफ झंडा बुलंद किया, मसलन जेंडर इक्वलिटी, मगर अब वो खुद अपनी फिल्मों की हीरो होती है, हर वो चीज करना चाहती है जो हिंदी फिल्मों के हीरो करते हैं। इसमें एक्शन और डायलॉगबाजी के साथ लेक्चर देना भी शामिल है। उन्होंने बतौर एक्टर परफॉर्मर कुछ नया या अलग करने के बजाय ऐसे किरदार चुनने शुरू कर दिए हैं जो बस कहानी के नायक हो।
बतौर एक्टर कंगना का कैलिबर सबको पता है, मगर इस तरह की फिल्में और रोल्स उनके क्रॉप को प्रभावित कर रहे हैं। तेजस में कंगना ने तेजस गिल नाम की फाइटर पायलट का रोल किया है, जो कि इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा है। अगर इसे कंगना की सबसे अटीपटी परफॉर्मेंस वाली फिल्म माना जाए तो इस बात से शिकायत नहीं होनी चाहिए। यह बेसिकली एक एरियल एक्शन फिल्म है, मगर असल में टिक बॉक्स वाली फिल्म बनकर रह जाती है। जितना कुछ समाज और सोशल मीडिया पर चल रहा है, हर वो टॉपिक कवर हो जाए। 26/11 अटैक से लेकर पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम फेमिनिज्म और हाइपर नेशनलिज्म, साथ में अयोध्या के राम मंदिर का कैमियो, इनमें से किसी विषय को लेकर फिल्म सीरियस नहीं है। ये सब एक वीडियो गेम की तरह लगता है। एक दुश्मन से निपट लिए, अब दूसरे की बारी, बस यहाँ लेवल अप नहीं होता है। वीडियो गेम से फिल्म का एक सीन याद आया, जिसे VFX की मदद से तैयार किया गया है। फिल्म के एक सीक्वेंस में जिसमें जेम्स बॉन्ड फिल्मों की तर्ज पर ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की गई है। पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर घटने वाले इस सीन को देखकर ऐसा लगता है कि जिस ग्लिच के साथ ये सीन पहली बार बना, उसे वैसे ही फिल्म में रख लिया गया। उसका VFX रिफाइन या फाइन ट्यून करने की कोई कोशिश नहीं की गई। फिल्म में जितने भी हवाई जहाज वाले सीन्स हैं, वो भी भरोसे लायक नहीं लगते। कुछ एक सीन्स में कंगना रनौत की आंखों में शूटिंग के दौरान सामने लगी लाइट रिफ्लेक्ट होती है, जबकि इस सीन में वो आसमान में फाइटर पायलट उड़ा रही है। अभी पिछले दिनों हमने गणपत देखी थी, तेजस और गणपत में कंपटीशन हो सकता है कि किसका VFX ज्यादा खराब है। इंडिया ने एक बार फिर पाकिस्तान को उसकी जमीन पर जाकर हरा दिया। पाकिस्तान हिंदी सिनेमा में भोदू किरदार होकर गया। मुझे पर्सनली लगता नहीं कि पाकिस्तान लोग इतने भी बेवकूफ होते होंगे जितना वो हिंदी सिनेमा में होते हैं। तेजस से पहले कमोबेश इसी मसले पर एक फिल्म आई गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल, तुलना तो होगी, मगर इस कंपैरिजन में तेजस गुंजन सक्सेना के आसपास भी नहीं पहुंच पाती, क्योंकि गुंजन सक्सेना के मेकर्स को पता था कि वो फिल्म के साथ क्या करना चाहते हैं। तेजस के मेकर्स ने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया, या शायद वो यही खिचड़ी बनाना चाहते थे। तेजस को सर्वेश मेवड़ा ने डायरेक्ट किया है, ये उनकी पहली फिल्म है, मगर वो इस फिल्म को बनाते वक्त पूरे कंट्रोल में नहीं लगते। एक क्लाइमेक्स खत्म होता है, तब तक दूसरा शुरू हो जाता है, इसलिए मुझे फिल्म कभी कन्विंसिंग नहीं कर पाती। फिल्म दर्शक के भीतर इमोशन पैदा करने के लिए सबसे दर्दनाक चीज का सहारा लेती है, बावजूद इसके आप कोई भाव महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि आपको लगता है कि ये आपकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल है। तेजस में इकलौती पॉजिटिव चीज मुझे लगी अंशुल चौहान, उन्होंने कंगना के जूनियर और साथी फाइटर पायलट आफिया का रोल किया है, यानी फिल्म में माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन भी है, मगर ये आफिया फिल्म की कॉमिक रिलीफ है। एक सीन में आफिया का किरदार अपने सुपर सीनियर से बात करते हुए चिल्ला चिल्ला कर ये नया इंडिया है सर, वी विल किल इट सर टाइप की बातें करती है, जो कि देखते वक्त बहुत वियर्ड लगता है और थोड़ा फनी भी। अंशुल को मैंने पहली बार शुभ मंगल सावधान में देखा था। इस फिल्म में उनका एक डायलॉग मुझे आज भी याद है, खुद की शक्ल चूजे वर्गी और लड़की चाहिए कैटरीना कैफ। तेजस में आप उनका काम इसलिए भी एंजॉय कर पाते हैं क्योंकि वो बहुत ह्यूमन कैरेक्टर है, उसमें गॉड कॉम्प्लेक्स नहीं है, प्लस उसे ये भी लगता है कि वो इस फिल्म की सपोर्टिंग कैरेक्टर है। धाकड़ के बाद तेजस कंगना रनौत की एक और निराशाजनक फिल्म साबित होती है। कम से कम धाकड़ में कंगना का काम अच्छा था, मगर यहाँ तो आपको वो भी नसीब नहीं होता। तेजस कुछ भी नया ऑफर नहीं करती। आपने पिछले 4 फिल्मों में जो चीजें देखी, बस ये फिल्म उसे समेट कर एक जगह ले आती है। इसमें थोड़ा सा कंगना रनौत मिला लीजिए, साथ में ढेर सारा ज्ञान और VFX की मदद से बने फर्जी लगने वाले एरियल एक्शन सीक्वेंस। बन गई तेजस, मगर तेजस कभी अपने होने को जस्टिफाई नहीं कर पाती।